द इमिटेशन गेम मूवी के फैक्टो रिव्यू द इमिटेशन गेम 2014 की एक जीवनी थ्रिलर फिल्म है जो मोर्टोन टम द्वारा निर्देशित तो और ग्रह्म मोर द्वारा लिखित जो एंड्रयूस होस की सन उन्नीस की जीवनी एलन ट्यूरिंग द एनिगम्मा पर आधारित है फिल्म का निर्देशक मार्टन टिल्डम है पटकथा ग्रह मोर है आधारित है एलन ट्यूरिंग द एनिगम हैडेस पर उत्पादित किया गया नोरा और उस्कृ। 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 सुराज में द्वारा अभिनीति है बेनेडिस कैरा का नाइटली मैथ्यू गुडे रोरी किन्नर और चार्ल्स नृत्य मार्क स्ट्रोंग छायांकन है ऑस्कर फोरा के संपादित है विलियम्स गोल्डनबर्ग के संगीत है एलेक्स डेस्प्लेट का उत्पादन कंपनी काले भालू के चित्र और ब्रिस्टल ऑटोमोटिव ऑरेंज कॉरपोरेशन वितरित किया गया विनिस्टिन कंपनी द्वारा रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2014 को टेलो लोराइड्स फिल्म फेस्टिवल में चौदह नवंबर 2014 को यूनाइटेड किंगडम में और अट्ठाईस नवंबर 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था कार्यक्रम 115 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और फिल्म का बजट 14 मिलियन डॉलर का था इसने दुनिया भर में काफ़ी अच्छी कमाई की फिल्म का शीर्षक उस गेम के नाम को उदगर्त करता है जिसे क्रिप्टोना एलानिस्टिक एलन एलन ट्यूरिंग ने अपने सन 1950 के मौलिक पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में क्या मशीनों सोच सकती है प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित किया था फिल्म में बेनेडिक्ट कैंबरबेज के, के ट्यूरिंग की भूमिका निभाई जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए जर्मन कॉपिया संदेशों को डिस्क्रिप्ट किया था और के, केरा नाइटली मैथ्यू गुड रो, रोरी किन्नर चार्ल्स डांस में मार्क स्ट्रॉन्ग सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं दाइमी दाइमी टेंसन गेम को संयुक्त राज्य अमेरिका में अट्ठाईस नवंबर दो हज़ार चौदह को नाइट के रूम में रिलीज किया गया था इसके बाद इस फिल्म को सतासीवें अकादमी पुरस्कारों में से आठ नामांकन प्राप्त किए गए जो सबसे रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीतना बहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पाँच नामांकन और इक्कीसवें स्क्रीन एक्सपर्ट मिल्ड गिल्ड अवार्ड में तीन नामांकन इसे नो बाफ्टा नामांकन की भी प्राप्त हुई और उनतालीसवें टोरेंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अवार्ड प्यू, जीता कथनाक सन उन्नीस सौ इक्यावन में दो पुलिस कर्मियों नोक और स्टेहल गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के घर में एक स्पष्ट चोरी के बाद जांच करते हैं और नोक द्वारा पूछा ताज के दौरान ट्यूरिंग ने द्वितीय युद्ध के दौरान बलेचले पार्क में काम करने से अपने समय के बारे में बताया सन उन्नीस में युवा ट्यूरिंग दुखी और बोर्डिंग स्कूल में उसे एक धमकाया जाता था वह क्रिस्टोफर मोरकोम के साथ दोस्ती विकसित करता और जो कि क्रिप्टोग्राफी में उसकी रुचि रखता था ट्यूरिंग ने मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती थी लेकिन लेकिन क्रिस्टोफर जल्द ही तपेदिक से मर जाता है जब सन उन्नीस में ब्रिटेन के जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो तो ट्यूरिंग ने बेलेचले के पार्क की यात्रा की और कमा कमांडर एलिस स्टेयर और डेनिस्टन के निर्देशन से वह होंग एलेक्जेंडर जॉन कार्सिनफों पीटर हिल्टन कीथ फूडमैन और चार्ल्स रिचर्ड्स की क्रिस्टोपोग्राफी टीम में शामिल हो गए। टीम एनिमा मशीन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही थी जिसका उपयोग नाजी कोडित संदेश भेजने के लिए कर, करते हैं ट्यूरिंग के साथ काम करना कठिन और वह अपने सहकर्मियों को हीन मानते हैं और वह एनिंग संदेशों को समझने के लिए एक मशीन डिजाइन करने के लिए अकेले काम करता है द्वारा मशीन के के निर्माण में लिए धन देने से इनकार करने के बाद ट्यूरिंग ने प्रधानमंत्री विस्टन चार्लिन को लिखा जो ट्यूरिंग को टीम का प्रभारी मानते थे और मशीन के लिए धन देते हैं ट्यूरिंग पुरमैन और रिचर्ड्स को निकाल देता है और प्रतिस्थापन खोजने के लिए समाचार पत्र में से एक कठिन क्रॉसवर्ड डालता है कैब्रिज के, के स्थानांतर लोन जॉन क्लर्क ने ट्यूरिंग की परीक्षा पास कर ली और लेकिन उसके माता पिता उसे पुरुष क्रिप्टोग्राफों के साथ काम करने की अनुमति नहीं देंगे ट्यूरिंग उसके लिए महिला क्लर्कों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था करता है जो संदेशों को पकड़ती है और उसके साथ अपनी योजनाएं साझा करती है क्लर्क की मदद से ट्यूरिंग अन्य सहकर्मियों के प्रति आकर्षित हो जाता है जो उसका सम्मान करने के लगे हैं ट्यूरिंग को मशीन जिसे वह क्रिस्टोफर नाम देता है और निर्मित से लेकिन एनि एनिगमा के एनक्रिप्शन सेटिंग को जल्दी ही निर्धारित नहीं कर सकती जर्मन उन्हें एक हर दिन रीसेट करते हैं और डेनिस्टन दे, को उस इसे नष्ट करने का आदेश देते हैं ट्यूरिंग को निकाल दिया जाता है लेकिन अन्य क्रिस्टोफ ग्राफर ट्यूरिंग ट्यूरिंग के जाने पर चले जाने की धमकी देते हैं क्लर्ग द्वारा अपने माता पिता की इच्छा पर छोड़ने की योजना बनाने के बाद ट्यूरिंग ने शादी का प्रस्ताव रखा उसे उसने स्वीकार कर लिया और अपनी सगाई की पार्टी के दौरान ट्यूरिंग ने एक कैरियन क्रॉस को अपनी समलैंगिकता की पुष्टि की और जिसने उसे उसे गुप्त रखने की चेतावनी दी थी उसी जर्मन कोडर को प्राप्त संदेशों के बारे में एक महिला क्लर्क के साथ बातचीत सुनने के बाद ट्यूरिंग को एहसास हुआ कि वह अब उन शब्दों को डिकोड करने के लिए मशीन को प्रोग्राम कर सकता है जिन्हें वह पहले से ही जानता था कुछ संदेशों में मौजूद है और जर्मन कोडर हमेशा अपना पहला संदेश मानक प्लेट प्लेन टेक्स्ट जर्मन लिपि में लिखे खोलता है इससे दिन में पर्याप्त यानी मा कोड का पता चलता है जिससे क्रिस्टोफर दिन भर में सभी संदेशों को तुरंत डिकोड कर सकता है मशीन को पुनः कैलिब्रेट करने के लिए वह तुरंत यह संदेश को डिकोड कर देता है और क्रिस्टोग्राफर जश्न मनाते हैं उन्हें पता चलता है कि एक काफिले का हमला होने वाला है लेकिन ट्यूरिंग को एहसास होता है कि अगर वे अचानक काफिले का रास्ता बदल देंगे तो यू बो बोट पर हमला करने करते हैं तो जर्मन को एहसास होगा कि एनिग, एनिगमा को समझौता किया गया है वे मशीनरी बदल देंगे इसलिए बेलेचिली पार्क की टीम हर डिकोड किए गए संदेश को कार्रवाई नहीं कर सकती पीटर जिसका भाई एक जहाज पर सेवारत नाविक है और वह सख्त अपील के बावजूद काफिले को नहीं बचाने का विकल्प चुन सकता है ट्यूरिंग यह बताने के लिए एक संखी संख्य किया मॉडल बनाता है जो विनाश को अधिकतम करने की खोज को कम करने के लिए कौन सी चेतावनी भेजनी है ट्यूरिंग को पता चलता है कि नर्स क्रास एक सो, सोवियत जासूस है जो ट्यूरिंग ने उसका सामना किया तो को, के, के क्रास को तर्क दिया जाता है सोवियत समान लक्ष्यों के लिए काम करने वाले सहयोगी है और ट्यूरिंग की कामुकता का खुलासा करके जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी जब सिर्फ एम सिक्स एजेंट स्टीवर्ट मैंजिस क्लर्क को धमकी देता प्रतीत होता है तो टूरिस्ट को खुलासा किया कि केयर्स क्रास एक जासूस है और मैंजिज ने खुलासा की कि, कि वह प, वह यह पहले से ही जानता है और ब्रिटिश लाभ के लिए केयर्स क्रास द्वारा सोवियत संघ को लीक करने के गए और संदेशों को राख कर दिया अपनी सुरक्षा से डर से ट्यूरिंग ने क्लर्क को बले चले पार्क में छोड़ने के लिए कहा और खुलासा किया कि वह एक समलैंगिक कलर का कह कहना है कि उससे हमेशा संदेह था लेकिन उन्होंने जो देकर कहा कि वैसे भी एक साथ खुश होते हैं उसके साथ बात ट्यूरिंग ने उसे बताया कि उसने कभी भी उसकी परवाह नहीं की केवल अपने क्रिप्टोग्राफी कौशल के लिए उसका इस्तेमाल किया और दिल टूट जाने पर वह किसी भी तरह रुकने का फैसला करती है और उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानती है जब वह ट्यूरिंग कहिया उसे अपने माता पिता उससे जो चाहते थे और झुकने का अपने निर्णयों के बारे में सोचने से इनकार कर देती है और युद्ध के बाद मैंजीज ने क्रिप्टोग्राफरों को अपना काम नष्ट करने के लिए कहा क्योंकि एम आई सिक्स चाहता है कि सरकारें सोचें कि उनके पास अटूट कोड मशीनें हैं सन उन्नीस में ट्यूरिंग को घोर अवगढ़ता का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा के बदले में रासायनिक बद्याकरण किया गया और ताकि वह अपना काम जारी रखे और कलर जिस जिससे मिलने से उसके घर जाता था और उसकी शारीरिक और मानसिक गिरावट को देखता था और यह कहकर उसे संतावना देता था कि उस उसके साथ काम में लाखों लोगों की जान बचाई है उपसंहार से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा निर्देशित हॉर् हॉर्मेनल पी में एक साल के बाद ट्यूरिंग की सात जून सन उन्नीस सौ चौवन की आत्महत्या में मृत्यु हो गई और दो हजार तेरह में महारानी एलिज जब द्वितीय के द्वितीय ने ट्यूरिंग को उसके काम का सम्मान करते हुए मरणोपरांत रॉयल क्षमता प्रदान की जिससे अंत में आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ और ढालना में एलन ट्यूरिंग के रूप में बेनेडिक कैम्बर बेच ने किरदार निभाया जॉन क्लर्क के रूप में कोयरा नाइटलिक ने किरदार निभाया हु एलेक्जेंडर के रूप में मैथ्यू गुड ने किरदार निभाया जासूस रॉबर्ट नोक के रूप में रोरी किन्नर ने किरदार निभाया जॉन केरियन क्रॉस के रूप में एलन लीच ने किरदार निभाया पीटर हिल्टन के रूप में मैथ्यू बे किरदार निभाया कमांडर डेनिस्टन के रूप में चार्ल्स डांस ने किरदार स्टीवन मैंजीज के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग ने किरदार निभाया जेक गुड के रूप में जेम्स नॉर्थकोट ने किरदार निभाया टॉम गुडमैन हिल जेंट स्टेहल के रूप में किरदार निभाते नजर आए अधीक्षक स्मिथ के रूप में स्टीवन वार्डिंगटन ने किरदार निभाया कि कीथ के रूप में इलान गुडमैन ने किरदार निभाया चार्ल्स रिचर्ड के रूप में जैक टेलरटन ने किरदार निभाया यूए एलन ट्यूरिंग के रूप में एलेक्स थोलोथर ने किरदार निभाया क्रिस्टोफर क्रिस्टोबर को के रूप में जैक बेनन ने किरदार निभाया हेलन स्टीवर्ट के रूप में ट्यूपेस मिडलटन ने किरदार निभाया एड्रू हेविक शिक्षक के रूप में किरदार निभाया हैं सोल के रूप में जेम्सी जी नून के दानी मैट और थेरोसी क्लर्क के रूप में विक्टोरिया मैक्स ने किरदार निभाते हुए नजर आई द इमिटेशन गेम मूवी के फैक्टर रिव्यू द इमिटेशन गेम 2014 की एक जीवनी थ्रिलर फिल्म है जो मोर्टोन टर्डसम द्वारा निर्देशित और ग्राहम मूर द्वारा लिखित जो एंड्रूस हॉसुज की सन उन्नीस की जीवनी एलन ट्यूरिंग द एनिगम्मा पर आधारित है फिल्म का निर्देशक मार्टन टेल्डम है पटकथा मोर है आधारित है एलन ट्यूरिंग द एनिगम हैड्र्यूस होजेस पर उत्पादित किया गया नोरा ग्रासमैन और एडो ओस्ट्रोवस्की टेडी हराजमैन द्वारा अभिनीति है बेनेडिस का, का वेज कैरा नाइटली मैथ्यू गुडे रोरी किन्नर और चार्ल्स नृत्य मार्क स्ट्रोंग छायांकन है ऑस्कर फोरा के संपादित है विलियम्स गोल्डनबर्ग के संगीत है एलेक्स चेट्रे डेस्प्लेट का उत्पादन कंपनी काले भालू के चित्र और ब्रिस्टल ऑटोमोटिव ऑरेंज कॉरपोरेशन वितरित किया गया विनिस्टिन कंपनी द्वारा रिलीज की तारीख उनतीस अगस्त दो हजार चौदह को टेलो लोराइड्स फिल्म फेस्टिवल में चौदह नवंबर 2014 को यूनाइटेड किंगडम में और अट्ठाईस नवंबर 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था कार्यक्रम एक सौ पंद्रह मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और फिल्म का बजट चौदह मिलियन डॉलर का था इसने दुनिया भर में काफ़ी अच्छी कमाई की फिल्म का शीर्षक उस गेम के नाम को उदगर्त करता है जिससे क्रिप्टोना एलानिस्टिक एलन ही। एलन ट्यूरिंग ने अपने सन्नीस सौ के मौलिक पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में क्या मशीनों सोच सकती है प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित किया था फिल्म में बेनेडिक्स कैंबरबेज के, के ट्यूरिंग की भूमिका निभाई जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए जर्मन खोपिया संदेशों को डिस्क्रिप्ट किया था और के, केरा नाइटली मैथ्यू गुड रो, रो, रोरी किन्नर चार्ल्स डांस में मार्क स्ट्रॉन्ग सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं दाइमी टेंशन गेम को संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 नवंबर 2014 को नाइट केयर रूम में रिलीज किया गया था इसके बाद इस फिल्म को सतासीवें अकादमी पुरस्कारों में से आठ नामांकन प्राप्त किए गए जो सबसे रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीतना बहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पांच नामांकन और स्क्रीन एक्सपर्ट मिल्ड अवार्ड में तीन नामांकन इसे नो नामांकन की भी प्राप्त हुई और उनतालीसवें टोरेंटो अंतरराष्ट्रीय पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता कथनाक सन उन्नीस सौ इक्यावन में दो पुलिस कर्मियों नोक और स्टेहल गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के घर में एक स्पष्ट चोरी के बाद जांच करते हैं और नोक द्वारा पूछा ताज के दौरान ट्यूरिंग ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बलेचले पार्क में काम करने से अपने समय के बारे में बताया सन उन्नीस में युवा ट्यूरिंग दुखी और बोर्डिंग स्कूल में उसे एक धमकाया जाता था वह क्रिस्टोफर मोरकोम के साथ दोस्ती विकसित करता और जो कि क्रिप्टोग्राफी में उसकी रुचि रखता था ट्यूरिंग ने मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती थी लेकिन लेकिन क्रिस्टोफर जल्द ही तपेदिक से मर जाता है जब सन उन्नीस में ब्रिटेन के जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो तो ट्यूरिंग ने बेलेचले के पार्क की यात्रा की और कमांडर एलिस स्टेयर और डेनिस्टन के निर्देशन से वह होंग एलेक्जेंडर जॉन कारसिनफोस पीटर हिल्टन की फूरमैन और चार्ल्स रिचर्ड्स की क्रिस्टोग्राफी टीम में शामिल हो गए टीम एनिमा मशीन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही थी जिसका उपयोग नाजी कोडित संदेश भेजने के लिए कर, करते हैं ट्यूरिंग के साथ काम करना कठिन और वह अपने सहकर्मियों को ही मानते हैं और वह एनिगमा संदेशों को समझने के लिए एक मशीन डिजाइन करने के लिए अकेले काम करता है डेनिस्टन द्वारा मशीन के निर्माण में के लिए धन देने से इनकार करने के बाद ट्यूरिंग ने प्रधानमंत्री विस्टन चार्लिन को लिखा जो ट्यूरिंग को टीम का प्रभारी मानते थे और मशीन के लिए धन देते हैं ट्यूरिंग पुरमैन और रिचर्ड्स को निकाल देता है और प्रतिस्थापन खोजने के लिए समाचार पत्र में से एक कठिन क्रॉसवर्ड डालता है कैब्रिज के स्थानांतर लोन जॉन क्लार्क ने ट्यूरिंग की परीक्षा पास कर ली और लेकिन उसके माता पिता उसे पुरुष क्रिप्टोग्राफों के साथ काम करने की अनुमति नहीं देंगे ट्यूरिंग उसके लिए महिला क्लर्कों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था करता है जो संदेशों को पकड़ती है और उसके साथ अपनी योजनाएं साझा करती है कलर की मदद से ट्यूरिंग अन्य सहकर्मियों के प्रति आकर्षित हो जाता है जो उसका सम्मान करने के लगे हैं ट्यूरिंग को मशीन जिसे वह क्रिस्टोफर नाम देता है और निर्मित से लेकिन एनि, एनिगमा के एनक्रिप्सन सेटिंग को जल्दी ही निर्धारित नहीं कर सकती जर्मन उन्हें एक हर दिन रिसेट करते हैं और डेनिस्टन को इसे नष्ट करने का आदेश देते हैं ट्यूरिंग को निकाल दिया जाता है लेकिन अन्य क्रिस्टोफ ग्राफर ट्यूरिंग, ट्यूरिंग के जाने पर चले जाने की धमकी देते हैं क्लग द्वारा अपने माता पिता की इच्छा पर छोड़ने की योजना बनाने के बाद ट्यूरिंग ने शादी का प्रस्ताव रखा उसे उसने स्वीकार कर लिया और अपनी सगाई की पार्टी के दौरान ट्यूरिंग ने एक कैरियन क्रॉस को अपनी समलैंगिकता की पुष्टि की और जिसने उसे उसे गुप्त रखने की चेतावनी दी थी उसी जर्मन कोडर को प्राप्त संदेशों के बारे में एक महिला क्लर्क के साथ बातचीत सुनने के बाद ट्यूरिंग को एहसास हुआ कि वह अब उन शब्दों को डिकोड करने के लिए मशीन को प्रोग्राम कर सकता है जिन्हें वह पहले से ही जानता था कुछ संदेशों में मौजूद है और जर्मन कोडर हमेशा अपना पहला संदेश मानक प्लेट प्लेन टेक्स्ट जर्मन लिपि में लिखे खोलता है इससे दिन में पर्याप्त एनि मा कोड का पता चलता है जिससे क्रिस्टोफर दिन भर में सभी संदेशों को तुरंत डिकोड कर सकता है मशीन को पुनः कैलिब्रेट करने के लिए वह तुरंत यह संदेश को डिकोड कर देता है और क्रिस्टोग्राफर जश्न मनाते हैं उन्हें पता चलता है कि एक काफिले का हमला होने वाला है लेकिन ट्यूरिंग को एहसास होता है कि अगर वे अचानक काफिले का रास्ता बदल देंगे तो यू बो बोट पर हमला करने करते हैं तो जर्मन को एहसास होगा कि एनिगमा को समझौता किया गया है वे मशीनरी बदल देंगे इसलिए बेलेचिली पार्क की टीम हर डिकॉर्ड किए गए संदेश को कार्रवाई नहीं कर सकती पीटर जिसका भाई एक जहाज पर सेवारत नाविक है और वह सख्त अपील के बावजूद काफिले को नहीं बचाने का विकल्प चुन सकता है ट्यूरिंग यह बताने के लिए एक संख्य संख्य मॉडल बनाता है जो विनाश को अधिकतम करने की खोज को कम करने के लिए कौन सी चेतावनी भेजनी है ट्यूरिंग को पता चलता है कि कैनर्स क्रास एक सोवियत जासूस है जो ट्यूरिंग ने उसका सामना किया तो क्या के, के क्रांस को तर्क दिया जाता है सोवियत समान लक्ष्यों के लिए काम करने वाले सहयोगी है और ट्यूरिंग की कामुकता का खुलासा करके जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी जब शीर्ष ए एम आई सिक्स एजेंट स्टीवर्ट मैंजिस क्लर्क को धमकी देता प्रतीत होता है तो को खुलासा किया कि क्रास एक जासूस है और ने खुलासा की कि वह प, वह यह पहले से ही जानता है और ब्रिटिश लाभ के लिए केयर्स क्रास द्वारा सोवियत संघ को लीक करने के गए और संदेशों को राख कर दिया अपनी सुरक्षा से डर से ट्यूरिंग ने क्लर्क को बलेचले पार्क में छोड़ने के लिए कहा और खुलासा किया कि वह एक समलैंगिक कलर का कह कहना है कि उससे हमेशा संदेह था लेकिन उन्होंने जो देकर कहा है कि वैसे भी एक साथ खुश होते हैं उसके साथ बात ट्यूरिंग ने उसे बताया कि उसने कभी भी उसकी परवाह नहीं की केवल अपने क्रिप्टोग्राफी कौशल के लिए उसका इस्तेमाल किया और दिल टूट जाने पर वह किसी भी तरह रुकने का फैसला करती है और उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानती है, जब वह ट्यूरिंग कहिया उसे अपने माता पिता उससे जो चाहते थे और झुकने का अपने निर्णयों के बारे में सोचने से इनकार कर देती और युद्ध के बाद मैंजीज ने क्रिप्टोग्राफरों को अपना काम नष्ट करने के लिए कहा क्योंकि एम आई सिक्स चाहता है कि सरकारें सोचें कि उनके पास अटूट कोड मशीनें हैं सन उन्नीस सौ बावन में ट्यूरिंग को घोर अवगढ़ता का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा के बदले में रासायनिक बद्याकरण किया गया और ताकि वह अपना काम जारी रखे और कलर जिस जिससे मिलने से उसके घर जाता था और उसकी शारीरिक और मानसिक गिरावट को देखता था यह कहकर उसे संतावना देता था कि उस उसके साथ काम में लाखों लोगों की जान बचाई है उपसंहार से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा निर्देशित हॉर् हॉर्मेनल थे पी में एक साल के बाद ट्यूरिंग की सात जून सन उन्नीस की आत्महत्या में मृत्यु हो गई और 2013 में महारानी एलिज जब्बे द्वितीय के द्वितीय ने ट्यूरिंग को उसके काम का सम्मान करते हुए मरणोपरांत रॉयल क्षमता प्रदान की जिससे अंत में आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ और ढालना में एलन ट्यूरिंग के रूप में बेनेडिक कैम्बर बेच ने किरदार निभाया जॉन क्लर्क के रूप में कोई नाइट नाइटलिक ने किरदार निभाया हु एलेक्जेंडर के रूप में मैथ्यू गुड ने किरदार निभाया जासूस रॉबर्ट नोक के रूप में रोरी किन्नर ने किरदार निभाया जॉन केरियन क्रॉस के रूप में एलन लीच ने किरदार निभाया पीटर हिल्टनर के रूप में मैथ्यू के किरदार निभाया कमांडर डेनिस्टन के रूप में चार्ल्स डांस ने किरदारा स्टीवन मैंजिज के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग ने किरदार निभाया जेक गुड के रूप में जेम्स नॉर्थकोट ने किरदार निभाया टॉम गुडमैन हिल सर्जेंट स्टेहल के रूप में किरदार निभाते नजर आए अधीक्षक स्मिथ के रूप में स्टीवन वार्डिंगटन ने किरदार निभाया कि कीथ फोरमैन के रूप में इलान गुडमैन ने किरदार निभाया चार्ल्स रिचर्ड के रूप में जैक टेलरटन ने किरदार निभाया यू एलन ट्यूरिंग के रूप में एलेक्स थोलोथर ने किरदार किरदार्यमाए क्रिस्टोबर मोर्को के रूप में जैक बेनन ने किरदार निभाया हेलन स्टीवर्ट के रूप में ट्यूपेस मिडलनटन ने किरदार निभाया एड्र्यू हेविक हेविल शिक्षक के रूप में किरदार निभाए हैं सोर शेरबोर्न के रूप में जेम्सी जी नून के दान मैट और थेरोसी क्लार्क के रूप में विक्टोरिया मैक्स ने किरदार निभाते हुए नजर आई द इमिटेशन गेम मूवी के फैक्टो रिव्यू द इमिटेशन गेम 2014 की एक जीवनी थ्रिलर फिल्म है जो मोर्टोन टर्डसम द्वारा निर्देशित और ग्राहम मूर द्वारा लिखित जो एंड्रूस हॉसुज की सन उन्नीस की जीवनी एलन ट्यूरिंग द एनिगम पर आधारित है फिल्म का निर्देशक मार्टन टिल्डम है पटकथा ग्रहमोर है आधारित है एलन ट्यूरिंग द एनिगम हेड्रूस होसेस पर उत्पादित किया गया नोरा ग्रासमैन और एडो ओस्ट्रोवस्की टेडी हराजमैन द्वारा अभिनीति है बेनेडिस का, का वेज कैरा नाइटली मैथ्यू गुडे रोरी किन्नर और चार्ल्स नृत्या मार्क स्ट्रोंग छायांकन है ऑस्कर फोरा के संपादित है विलियम्स गोल्डनबर्ग के संगीत है एलेक्स चेट्रे डेस्प्लेट का उत्पादन कंपनी काले भालू के चित्र और ब्रिस्टल ऑटोमोटिव ऑरेंज कॉरपोरेशन वितरित किया गया विनिस्टीन कंपनी द्वारा रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2014 को टेलो लोराइड्स फिल्म फेस्टिवल में चौदह चो, नवंबर दो हज़ार चौदह को यूनाइटेड किंगडम में और अट्ठाईस नवम्बर दो हज़ार चौदह को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था कार्यक्रम एक सौ पंद्रह मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और फिल्म का बजट चौदह मिलियन डॉलर का था इसने दुनिया भर में काफ़ी अच्छी कमाई की फिल्म का शीर्षक उस गेम के नाम को उदगर्त करता है जिससे क्रिप्टोना एलानिस्टिक एलन ही। एलन ट्यूरिंग ने अपने सन्नीस सौ पचास के मौलिक पेपर कंप्यूटिंग कम्पुर्ट, मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में क्या मशीनों सोच सकती है प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित किया था फिल्म में बेनेडिक्स कैंबरबेज के, के ट्यूरिंग की भूमिका निभाई जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए जर्मन खोफिया संदेशों को डिस्क्रिप्ट किया था और के, केरा नाइटली मैथ्यू गुड रो, रोरी किन्नर चार्ल्स डांस में मार्क स्ट्रॉन्ग सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं दाइमी टेंशन गेम को संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 नवंबर 2014 को नाइट केयर रूम में रिलीज किया गया था इसके बाद इस फिल्म को सतासीवें अकादमी पुरस्कारों में से आठ नामांकन प्राप्त किए गए जो सबसे रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीतना बहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में पांच नामांकन और इक्कीसवेंट नामांकन की भी प्राप्त हुई और उनतालीसवें टोरेंटो अंतरराष्ट्रीय पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता कथनाक सन उन्नीस में दो पुलिस कर्म, कर्मियों नोक और स्टेहल गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के घर में एक स्पष्ट चोरी के बाद जांच करते हैं और नोक द्वारा पूछा ताज के दौरान ट्यूरिंग ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बलेचले पार्क में काम करने से अपने समय के बारे में बताया सन उन्नीस में युवा ट्यूरिंग दुखी और बोर्डिंग स्कूल में उसे एक धमकाया जाता था वह क्रिस्टोफर मोरकों के साथ दोस्ती विकसित करता और जो के क्रिप्टोग्राफी में उसकी रुचि रखता था ट्यूरिंग ने मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती थी लेकिन लेकिन क्रिस्टोफर जल्द ही तपेदिक से मर जाता है जब सन उन्नीस सौ उनतालीस में ब्रिटेन के जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो तो ट्यूरिंग ने बेलेचले के पार्क की यात्रा की और कमांडर एलिस स्टेयर और डेनिस्टन के निर्देशन से वह होंग एलेक्जेंडर जॉन कार्सिनफोंस पीटर हिल्टन की फूरमैन और चार्ल्स रिचर्ड्स की क्रिस्टोपोग्राफी टीम में शामिल हो गए टीम एनिमा मशीन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही थी जिसका उपयोग नाजी कोडित संदेश भेजने के लिए कर, करते हैं ट्यूरिंग के साथ काम करना कठिन और वह अपने सहकर्मियों को ही गमा संदेशों को समझने के लिए एक मशीन डिजाइन करने के लिए अकेले काम करता है डेनिस्टन द्वारा मशीन के निर्माण के लिए धन देने से इनकार करने के बाद ट्यूरिंग ने प्रधानमंत्री विस्टन चार्लिन को लिखा जो ट्यूरिंग को टीम का प्रभारी मानते थे और मशीन के लिए धन देते हैं ट्यूरिंग रिचर्ड्स को निकाल देता है और प्रतिस्थापन खोजने के लिए समाचार पत्र में से एक कठिन क्रॉसवर्ड डालता है कैब्रिज के स्थानांतर लोन जॉन क्लार्क ने ट्यूरिंग की परीक्षा पास कर ली और लेकिन उसके माता पिता उसे पुरुष क्रिप्टोग्राफों के साथ काम करने की अनुमति नहीं देंगे ट्यूरिंग उसके लिए महिला क्लर्कों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था करता है जो संदेशों को पकड़ती है और उसके साथ अपनी योजनाएं साझा करती है क्लर्क की मदद से ट्यूरिंग अन्य सहकर्मियों के प्रति आकर्षित हो जाता है जो उसका सम्मान करने के लिए लगे हैं ट्यूरिंग को मशीन जिसे वह क्रिस्टोफर नाम देता है और निर्मित से लेकिन एनि एनिगमा के एनक्रिप्सन सेटिंग को जल्दी ही निर्धारित नहीं कर सकती जर्मन उन्हें एक हर दिन रिसेट करते हैं और डेनिस्टन को उस इसे नष्ट करने का आदेश देते हैं ट्यूरिंग को निकाल दिया जाता है लेकिन अन्य क्रिस्टोफ ग्राफर ट्यूरिंग, ट्यूरिंग के जाने पर चले जाने की धमकी देते हैं क्लर्क द्वारा अपने माता पिता की इच्छा पर छोड़ने की योजना बनाने के बाद ट्यूरिंग ने शादी का प्रस्ताव रखा उसे उसने स्वीकार कर लिया और अपनी सगाई की पार्टी के दौरान ट्यूरिंग ने एक कैरियन क्रॉस को अपनी समलैंगिकता की पुष्टि की और जिसने उसे उसे गुप्त रखने की चेतावनी दी थी उसी जर्मन कोडर को प्राप्त संदेशों के बारे में एक महिला क्लर्क के साथ बातचीत सुनने के बाद ट्यूरिंग को एहसास हुआ कि वह अब उन शब्दों को डिकोड करने के लिए मशीन को प्रोग्राम कर सकता है जिन्हें वह पहले से ही जानता था कुछ संदेशों में मौजूद है और जर्मन कोडर हमेशा अपना पहला संदेश मानक प्लेट प्लेन टेक्स्ट जर्मन लिपि में लिखे खोलता है इससे दिन में पर्याप्त एनी कोड का पता चलता है जिससे क्रिस्टोफर दिन भर में सभी संदेशों को तुरंत कर सकता है मशीन को पुनः करने के लिए वह तुरंत यह संदेश को रिकॉर्ड कर देता है और क्रिस्टोग्राफर जश्न मनाते हैं उन्हें पता चलता है कि एक काफिले का हमला होने वाला है लेकिन ट्यूरिंग को एहसास होता है कि अगर वे अचानक काफिले का रास्ता बदल देंगे तो यू बो बोट पर हमला करने करते हैं तो जर्मन को एहसास होगा कि एनिग, एनिगमा को समझौता किया गया है वे मशीनरी बदल देंगे इसलिए बेलेचिली पार्क की टीम हर डिकोड किए गए संदेश को कार्रवाई नहीं कर सकती पीटर जिसका भाई एक जहाज पर सेवारत नाविक है और वह सख्त अपील के बावजूद काफिले को नहीं बचाने का विकल्प चुन सकता है ट्यूरिंग यह बताने के लिए एक संख्य संख्य मॉडल बनाता है जो विनाश को अधिकतम करने की खोज को कम करने के लिए कौन सी चेतावनी भेजनी है ट्यूरिंग को पता चलता है कि कैनर्सक्रास एक सोवियत जासूस है जो ट्यूरिंग ने उसका सामना किया तो को, के क्रांस को तर्क दिया जाता है सोवियत समान लक्ष्यों के लिए काम करने वाले सहयोगी है और ट्यूरिंग की कामुकता का खुलासा करके जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी जब सिर्फ ए एम आई सिक्स एजेंट स्टीवर्ट मैंजिस क्लर्क को धमकी देता प्रतीत होता है तो ट्यूर को खुलासा किया कि क्रास एक जासूस है और ने खुलासा किया वह वह पहले से ही जानता है और ब्रिटिश लाभ के लिए केयर्स क्रास द्वारा सोवियत संघ को लीक करने के गए और संदेशों को राख कर दिया अपनी सुरक्षा से डर से ट्यूरिंग ने क्लर्क को चले पार्क में छोड़ने के लिए कहा और खुलासा किया कि वह एक समलैंगिक कलर का कह कहना है कि उससे हमेशा संदेह था लेकिन उन्होंने जो देकर कहा कि वैसे भी एक साथ खुश होते हैं उसके साथ बात ट्यूरिंग ने उसे बताया कि उसने कभी भी उसकी परवाह नहीं की केवल अपने क्रिप्टोग्राफी कौशल के लिए उसका इस्तेमाल किया और दिल टूट जाने पर वह किसी भी तरह रुकने का फैसला करती है और उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानती है, जब वह ट्यूरिंग या उसे अपने माता पिता उससे जो चाहते थे और झुकने का अपने निर्णयों के बारे में सोचने से इनकार देती है और युद्ध के बाद मैंजीज ने क्रिप्टोग्राफरों को अपना काम नष्ट करने के लिए कहा क्योंकि एम सिक्स चाहता है कि सरकारें सोचें कि उनके पास अटूट कोड मशीनें हैं सन उन्नीस में ट्यूरिंग को घोर अवगढ़ता का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा के बदले में रासायनिक और ताकि वे अपना काम जारी रखे और कलर जिस जिससे मिलने से उसके घर जाता था और उसकी शारीरिक और मानसिक गिरावट को देखता था यह कहकर उसे संतावना देता था कि उस, उसके साथ काम में लाखों लोगों की जान बचाई है उपसंहार से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा निर्देशित हॉर्मेनल हर्म, थे पी में एक साल के बाद ट्यूरिंग की सात जून सन उन्नीस की आत्महत्या में मृत्यु हो गई और 2013 में महारानी एलिजे द्वितीय के द्वितीय ने ट्यूरिंग को उसके काम का सम्मान करते हुए मरणोपरांत रॉयल क्षमता प्रदान की जिससे अंत में आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ और ढालना में एलन ट्यूरिंग के रूप में बेनेडिक कैम्बर बेच ने किरदार निभाया जॉन क्लर्क के रूप में कोयरा नाइटलिक ने किरदार निभाया हु एलेक्जेंडर के रूप में मैथ्यू गुड ने किरदार निभाया जासूस रॉबर्ट नोक के रूप में रोरी किन्नर ने किरदार निभाया जॉन केरियन क्रॉस के रूप में एलन लीच ने किरदार निभाया पीटर हिल्टनर के रूप में मैथ्यू किरदार निभाया कमांडर डेनिस्टन के रूप में चार्ल्स डांस ने किरदार स्टीवन मैंजीज के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग ने किरदार निभाया जेक गुड के रूप में जेम्स नॉर्थकोट ने किरदार निभाया टॉम गुडमैन हिल सर्जेंट स्टेहल के रूप में किरदार निभाते नजर आए अधीक्षक स्मिथ के रूप में स्टीवन वार्डिंगटन ने किरदार निभाया कि कीथ फोरमैन के रूप में इलान गुडमैन ने किरदार निभाया चार्ल्स रिचर्ड के रूप में जैक टेलरटन ने किरदार निभाया यू एलन ट्यूरिंग के रूप में एलेक्स थोलोथर ने किरदार निभाया क्रिस्टोफर क्रिस्टोबर को के रूप में जैक बेनन ने किरदार निभाया हेलन स्टीवर्ट के रूप में ट्यूपेस मिडलन टन ने किरदार निभाया एड्री हेविक

ट्यूरिंग द एनिगम्मा पर आधारित है फिल्म का निर्देशक मार्टन टिल्डम है पटकथा ग्रहमोर है आधारित है एलन ट्यूरिंग द एनिगम हैड्रूस होसेस पर उत्पादित किया गया नोरा ग्रासमैन और एडो ओस्ट्रोवस्की टेडी हराज चैनमैन द्वारा अभिनीति है बेनेडिस का वेज कैरा नाइटली मैथ्यू गुडे रोरी किन्नर और चार्ल्स नृत्य मार्क स्ट्रोंग छायांकन है ऑस्कर फोरा के संपादित हैं विलियम्स गोल्डनबर्ग के संगीत हैं एलेक्स चेट्रे डेस्प्लेट का उत्पादन कंपनी काले भालू के चित्र और ब्रिस्टल ऑटोमोटिव ऑरेंज कॉरपोरेशन वितरित किया गया विनिस्टिन कंपनी द्वारा रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2014 को टेलो इड्स फिल्म फेस्टिवल में चौदह चो, नवम्बर दो हज़ार चौदह को यूनाइटेड किंगडम में और अट्ठाईस नवंबर दो हज़ार चौदह को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था कार्यक्रम एक सौ पंद्रह मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और फिल्म का बजट चौदह मिलियन डॉलर का था इसने दुनिया भर में काफ़ी अच्छी कमाई की फिल्म का शीर्षक उस गेम के नाम को उदगर्त करता है जिससे क्रिप्टोना एलानिस्टिक एलन ही। एलन ट्यूरिंग ने अपने सन्नीस सौ पचास के मौलिक पेपर कंप्यूटिंग कम्पुर्ट, मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में क्या मशीनों सोच सकती है प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित किया था फिल्म में बेनेडिक्स कैंबरबेज के, के ट्यूरिंग की भूमिका निभाई जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए जर्मन खोपिया संदेशों को डिस्क्रिप्ट किया था और के, केरा नाइटली मैथ्यू गुड रो, रो, रोरी किन्नर चार्ल्स डांस में मार्क स्ट्रॉन्ग सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं दाइमी, दाइमी टेंशन गेम को संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 नवंबर 2014 को नाइट केयर रूम में रिलीज किया गया था इसके बाद इस फिल्म को सतासीवें अकादमी पुरस्कारों में से आठ नामांकन प्राप्त किए गए जो सबसे रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जितना 72वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पांच नामांकन और 21वें स्क्रीन एक्सपर्ट मिल्ड गिल्ड अवार्ड में तीन नामांकन इसे नौ बाफ्टा नामांकन की भी प्राप्त हुए और 39वें टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता कथनांक सन 1951 में दो पुलिसकर्मियों नोक और स्टहल गणितज्ञ एलएन ट्यूरिंग के घर में एक स्पष्ट चोरी के बाद जांच करते हैं और नोक द्वारा पूछा के दौरान टूरिंग ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बलेचले पार्क में काम करने से अपने समय के बारे में बताया सन 1928 में युवा ट्यूरिंग दुखी और बोर्डिंग स्कूल में उसे एक धमकाया जाता था वह क्रिस्टोफर मोरकोम के साथ दोस्ती विकसित करता और जो के क्रिप्टोग्राफी में उसकी रुचि रखता था ट्यूरिंग ने मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती थी लेकिन लेकिन क्रिस्टोफर जल्द ही तपेदिक से मर जाता है जब सन उन्नीस में ब्रिटेन के जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो तो ट्यूरिंग ने बेलेचले के पार्क की यात्रा की और कमांडर एलिस स्टेयर और डेनिस्टन के निर्देशन से वह होंग एलेक्जेंडर जॉन कार्सिनफों पीटर हिल्टन कीन और चार्ल्स रिचर्ड्स की क्रिस्टोपोग्राफी टीम में शामिल हो गए टीम एनिमा मशीन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही थी जिसका उपयोग नाजी कोडित संदेश भेजने के लिए कर, करते हैं ट्यूरिंग के साथ काम करना कठिन और वह अपने सहकर्मियों को ही गमा संदेशों को समझने के लिए एक मशीन डिजाइन करने के लिए अकेले काम करता है डेनिस्टन द्वारा मशीन के निर्माण में के लिए धन देने से इनकार करने के बाद ट्यूरिंग ने प्रधानमंत्री विस्टन चार्लिन को लिखा जो ट्यूरिंग को टीम का प्रभारी मानते थे और मशीन के लिए धन देते हैं ट्यूरिंग पुरमैन और रिचर्ड्स को निकाल देता है और प्रतिस्थापन खोजने के लिए समाचार पत्र में से एक कठिन क्रॉसवर्ड डालता है कैब्रिज के स्थानांतर लोन जॉन क्लार्क ने ट्यूरिंग की परीक्षा पास कर ली और लेकिन उसके माता पिता उसे पुरुष क्रिप्टोग्राफों के साथ काम करने की अनुमति नहीं देंगे ट्यूरिंग उसके लिए महिला क्लर्कों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था करता है जो संदेशों को पकड़ती है और उसके साथ अपनी योजनाएं साझा करती है क्लर्क की मदद से ट्यूरिंग अन्य सहकर्मियों के प्रति आकर्षित हो जाता है जो उसका सम्मान करने के लगे हैं ट्यूरिंग को मशीन जिसे वह क्रिस्टोफर नाम देता है और निर्मित से लेकिन एनि एनिगमा के एनक्रिप्शन सेटिंग को जल्दी ही निर्धारित नहीं कर सकती जर्मन उन्हें एक हर दिन रिसेट करते हैं और डेनिस्टन को उसे उस नष्ट करने का आदेश देते हैं ट्यूरिंग को निकाल दिया जाता है लेकिन अन्य क्रिस्टोफ ग्राफर ट्यूरिंग, ट्यूरिंग के जाने पर चले जाने की धमकी देते हैं क्लर्ग द्वारा अपने माता पिता की इच्छा पर छोड़ने की योजना बनाने के बाद ट्यूरिंग ने शादी का प्रस्ताव रखा उसे उसने स्वीकार कर लिया और अपनी सगाई की पार्टी के दौरान ट्यूरिंग ने एक कैरियन क्रॉस को अपनी समलैंगिकता की पुष्टि की और जिसने उसे उसे गुप्त रखने की चेतावनी दी थी उसी जर्मन कोडर को प्राप्त संदेशों के बारे में एक महिला क्लर्क के साथ बातचीत सुनने के बाद ट्यूरिंग को एहसास हुआ कि वह अब उन शब्दों को डिकोड करने के लिए मशीन को प्रार्म कर सकता है जिन्हें वह पहले से ही जानता था कुछ संदेशों में मौजूद है और जर्मन कोडर हमेशा अपना पहला संदेश मानक प्लेट प्लेन टेक्स्ट जर्मन लिपि में लिखे खोलता है इससे दिन में पर्याप्त एनी कोड का पता चलता है जिससे क्रिस्टोफर दिन भर में सभी संदेशों को तुरंत रिकॉर्ड कर सकता है मशीन को पुनः कैलिब्रेट करने के लिए वह तुरंत यह संदेश को रिकॉर्ड कर देता है और क्रिस्टोग्राफर जश्न मनाते हैं उन्हें पता चलता है कि एक काफिले का हमला होने वाला है लेकिन ट्यूरिंग को एहसास होता है कि अगर वे अचानक काफिले का रास्ता बदल देंगे तो यू बो बोट पर हमला करने करते हैं तो जर्मन को एहसास होगा कि एनिग, एनिगमा को समझौता किया गया है वे मशीनरी बदल देंगे इसलिए बेलेचिली पार्क की टीम हर डिकोड किए गए संदेश को कार्रवाई नहीं कर सकती पीटर जिसका भाई एक जहाज पर सेवारत नाविक है और वह सख्त अपील के बावजूद काफिले को नहीं बचाने का विकल्प चुन सकता है ट्यूरिंग यह बताने के लिए एक संख्य मॉडल बनाता है जो विनाश को अधिकतम करने की खोज को कम करने के लिए कौन सी चेतावनी भेजनी है ट्यूरिंग को पता चलता है कि नर्स क्रास एक सो, जासूस है तर्क दिया जाता है सोवियत समान लक्ष्यों के लिए काम करने वाले सहयोगी है और ट्यूरिंग की कामुकता का खुलासा करके जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी जब सिर्फ ए एम आई सिक्स एजेंट स्टीवर्ट मैंजिस क्लर्क को धमकी देता प्रतीत होता है तो टूरिस्ट को खुलासा किया कि क्रास एक जासूस है और ने खुलासा किया वह वह पहले से ही जानता है और ब्रिटिश लाभ के लिए केयर्स क्रास द्वारा सोवियत संघ को लीक करने गए और संदेशों को राख कर दिया अपनी सुरक्षा से डर से ट्यूरिंग ने क्लर्क को चले पार्क में छोड़ने के लिए कहा और खुलासा किया कि वह एक समलैंगिक कलर का कह कहना है कि उससे हमेशा संदेह था लेकिन उन्होंने जो देकर कहा कि वैसे भी एक साथ खुश होते हैं उसके साथ बात ट्यूरिंग ने उसे बताया कि उसने कभी भी उसकी परवाह नहीं की केवल अपने क्रिप्टोग्राफी कौशल के लिए उसका इस्तेमाल किया और दिल टूट जाने पर वह किसी भी तरह रुकने का फैसला करती है और उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानती है, जब वह ट्यूरिंग कैया उसे अपने माता पिता उससे जो चाहते थे और झुकने का अपने निर्णयों के बारे में सोचने से इनकार कर देती और युद्ध के बाद मैंजीज ने क्रिप्टोग्राफरों को अपना काम नष्ट करने के लिए कहा क्योंकि एम आई सिक्स चाहता है कि सरकारें सोचें कि उनके पास अटूट कोड मशीनें हैं सन उन्नीस में ट्यूरिंग को घोर अवगढ़ता का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा के बदले में रासायनिक बदियाकरण किया गया और ताकि वे अपना काम जारी रखे और कलर जिस जिससे मिलने से उसके घर जाता था और उसकी शारीरिक और मानसिक गिरावट को देखता था यह कहकर उसे संतावना देता था कि उस, उसके साथ काम में लाखों लोगों की जान बचाई है उपसंहार से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा निर्देशित हॉर् हॉर्मेनल पी में एक साल के बाद ट्यूरिंग की सात जून सन उन्नीस सौ चौवन की आत्महत्या में मृत्यु हो गई और दो हज़ार तेरह में महारानी एलिज जब द्वितीय के द्वितीय ने ट्यूरिंग को उसके काम का सम्मान करते हुए मरणोपरांत रॉयल क्षमता प्रदान की जिससे अंत में आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ और ढालना में एलन ट्यूरिंग के रूप में बेनेडिक कैम्बर बेच ने किरदार निभाया जॉन क्लर्क के रूप में कोई नाइटलिक ने किरदार निभाया हु एलेक्जेंडर के रूप में मैथ्यू गुड ने किरदार निभाया जासूस रॉबर्ट नॉक के रूप में रोरी किन्नर ने किरदार निभाया जॉन केरियन क्रॉस के रूप में एलन लीच ने किरदार निभाया पीटर हिल्टनर के रूप में मैथ्यू किरदार निभाया कमांडर डेनिस्टन के रूप में चार्ल्स डांस ने किरदार स्टीवन मैंजिज के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग ने किरदार निभाया जेक गुड के रूप में जेम्स नॉर्थ कोर्ट ने किरदार निभाया टॉम गुडमैन हिल सर्जेंट स्टेहल के रूप में किरदार निभाते नजर आए अधीक्षक स्मिथ के रूप में स्टीवन वार्डिंगटन ने किरदार निभाया कि कीथ फुरमैन के रूप में इलान गुडमैन ने किरदार निभाया चार्ल्स रिचर्ड के रूप में जैक टेलरटन ने किरदार निभाया यू एलन ट्यूरिंग के रूप में एलेक्स थोलोथर ने किरदार निभाया क्रिस्टोफर क्रिस्टोबर को के रूप में जैक बेनन ने किरदार निभाया हेलन स्टीवर्ट के रूप में ट्यूपेस मिडलनटन ने किरदार निभाया एड्र्यू हेविक

ड्यूरिंग द एनिगम्मा पर आधारित है फिल्म का निर्देशक मार्टन टिल्डम है पटकथा ग्रहमोर है आधारित है एलन ट्यूरिंग द एनिगम हैड्यूस होसेस पर उत्पादित किया गया नोरा ग्रासमैन और एडो ओस्ट्रोवस्की टेडी में द्वारा अभिनीति है बेनेडिस का, का वेज कैरा नाइटली मैथ्यू गुडे रोरी किन्नर और चार्ल्स नृत्य मार्क स्ट्रॉन्ग छायांकन है ऑस्कर फोरा के संपादित है विलियम्स गोल्डनबर्ग के संगीत है एलेक्स चेट्रे डेस्प्लेट का उत्पादन कंपनी काले भालू के चित्र और ब्रिस्टल ऑटोमोटिव ऑरेंज कॉरपोरेशन वितरित किया गया विनिस्टिन कंपनी द्वारा रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2014 को टेलो लोराइड्स फिल्म फेस्टिवल में चौदह चो, नवंबर दो हज़ार चौदह को यूनाइटेड किंगडम में और अट्ठाईस नवंबर दो हज़ार चौदह को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था कार्यक्रम एक सौ पंद्रह मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और फिल्म का बजट चौदह मिलियन डॉलर का था इसने दुनिया भर में काफ़ी अच्छी कमाई की फिल्म का शीर्षक उस गेम के नाम को उदगर्द करता है जिससे क्रिप्टो ना एलानिस्टिक एलन, एलन ट्यूरिंग ने अपने सन्नीस पचास के मौलिक पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में क्या मशीनों सोच सकती है प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित किया था फिल्म में बेनेडिक्ट कैंबरबेज के, के ट्यूरिंग की भूमिका निभाई जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए जर्मन कॉपिया संदेशों को डिस्क्रिप्ट किया था और के, केरा नाइटली मैथ्यू गुड रो, रो, रोरी किन्नर चार्ल्स डांस में मार्क स्ट्रॉन्ग सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं दाइमी टेंशन गेम को संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 नवंबर 2014 को नाइट के रूम में रिलीज किया गया था इसके बाद इस फिल्म को सतासीवें अकादमी पुरस्कारों में से आठ नामांकन प्राप्त किए गए जो सबसे रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीतना बहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में पांच नामांकन और इक्कीस और उनता पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता कथनाक सन उन्नीस सौ इक्यावन में दो पुलिस कर्म, कर्मियों नोक और स्टेहल गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के घर में एक स्पष्ट चोरी के बाद जांच करते हैं और नोक द्वारा पूछा ताज के दौरान ट्यूरिंग ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बलेचले पार्क में काम करने से अपने समय के बारे में बताया सन 1928 में युवा ट्यूरिंग दुखी और बोर्डिंग स्कूल में उसे एक धमकाया जाता था वह क्रिस्टोफर मोरकोम के साथ दोस्ती विकसित करता और जो कि क्रिप्टोग्राफी में उसकी रुचि रखता था ट्यूरिंग ने मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती थी लेकिन लेकिन क्रिस्टोफर जल्द ही तपेदिक से मर जाता है जब सन उन्नीस सौ उनतालीस में ब्रिटेन के जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो तो ट्यूरिंग ने बेलेचले के पार्क की यात्रा की और कमांडर एलिस स्टेयर और डेनिस्टन के निर्देशन से वह होंग एलेक्जेंडर जॉन कार्सिनफोंस पीटर हिल्टन की और चार्ल्स रिचर्ड्स की क्रिस्टोग्राफी टीम में शामिल हो गए टीम एनिमा मशीन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही थी जिसका उपयोग नाजी कोडित संदेश भेजने के लिए कर, करते हैं ट्यूरिंग के साथ काम करना कठिन और वह अपने सहकर्मियों को हीन मानते हैं और वह एनिगमा संदेशों को समझने के लिए एक मशीन डिजाइन करने के लिए अकेले काम करता है डेनिस्टन द्वारा मशीन के निर्माण में के लिए धन देने से इनकार करने के बाद ट्यूरिंग ने प्रधानमंत्री विस्टन चार्लिन को लिखा जो ट्यूरिंग को टीम का प्रभारी मानते थे और मशीन के लिए धन देते हैं। ट्यूरिंग और को निकाल देता है और खोजने के लिए समाचार पत्र में से एक कठिन क्रॉसवर्ड डालता है कैब्रिज के स्थानांतर लोन जॉन क्लार्क ने ट्यूरिंग की परीक्षा पास कर ली और लेकिन उसके माता पिता उसे पुरुष क्रिप्टोग्राफों के साथ काम करने की अनुमति नहीं देंगे ट्यूरिंग उसके लिए महिला क्लर्कों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था करता है जो संदेशों को पकड़ती है और उसके साथ अपनी योजनाएं साझा करती है क्लर्क की मदद से ट्यूरिंग अन्य सहकर्मियों के प्रति आकर्षित हो जाता है जो उसका सम्मान करने के लगे हैं ट्यूरिंग को मशीन जिसे वह क्रिस्टोफर नाम देता है और निर्मित से लेकिन एनि एनिगमा के एनक्रिप्शन सेटिंग को जल्दी ही निर्धारित नहीं कर सकती जर्मन उन्हें एक हर दिन रिसेट करते हैं और डेनिस्टन को उस इसे नष्ट करने का आदेश देते हैं ट्यूरिंग को निकाल दिया जाता है लेकिन अन्य क्रिस्टोफ ग्राफर ट्यूरिंग, ट्यूरिंग के जाने पर चले जाने की धमकी देते हैं क्लर्ग द्वारा अपने माता पिता की इच्छा पर छोड़ने की योजना बनाने के बाद ट्यूरिंग ने शादी का प्रस्ताव रखा उसे उसने स्वीकार कर लिया और अपनी सगाई की पार्टी के दौरान ट्यूरिंग ने एक कैरियन क्रॉस को अपनी समलैंगिकता की पुष्टि की और जिसने उसे उसे गुप्त रखने की चेतावनी दी थी उसी जर्मन कोडर को प्राप्त संदेशों के बारे में एक महिला क्लर्क के साथ बातचीत सुनने के बाद ट्यूरिंग को एहसास हुआ कि वह अब उन शब्दों को डिकोड करने के लिए मशीन को प्रोग्राम कर सकता है जिन्हें वह पहले से ही जानता था कुछ संदेशों में मौजूद है और जर्मन कोडर हमेशा अपना पहला संदेश मानक प्लेट प्लेन टेक्स्ट जर्मन लिपि में लिखे खोलता है इससे दिन में पर्याप्त यानी मा कोड का पता चलता है जिससे क्रिस्टोफर दिन भर में सभी संदेशों को तुरंत रिकॉर्ड कर सकता है मशीन को पुनः कैलिब्रेट करने के लिए वह तुरंत यह संदेश को रिकॉर्ड कर देता है और क्रिस्टोग्राफर जश्न मनाते हैं उन्हें पता चलता है कि एक काफिले का हमला होने वाला है लेकिन ट्यूरिंग को एहसास होता है कि अगर वे अचानक काफिले का रास्ता बदल देंगे तो यू बो बोट पर हमला करने करते हैं तो जर्मन को एहसास होगा कि एनिग, एनिगमा को समझौता किया गया है वे मशीनरी बदल देंगे इसलिए बेलेचिली पार्क की टीम हर डिकोड किए गए संदेश को कार्रवाई नहीं कर सकती पीटर जिसका भाई एक जहाज पर सेवारत नाविक है और वह सख्त अपील के बावजूद काफिले को नहीं बचाने का विकल्प चुन सकता है ट्यूरिंग यह बताने के लिए एक संखी संख्य मॉडल बनाता है जो विनाश को अधिकतम करने की खोज को कम करने के लिए कौन सी चेतावनी भेजनी है ट्यूरिंग को पता चलता है किस क्रास एक सोवियत जासूस है जो ट्यूरिंग ने उसका सामना किया तो को, के, के क्रास को तर्क दिया जाता है सोवियत समान लक्ष्यों के लिए काम करने वाले सहयोगी है और ट्यूरिंग की कामुकता का खुलासा करके जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी जब शीर्ष ए सिक्स एजेंट स्टीवर्ट मैंजिस क्लर्क को धमकी देता प्रतीत होता है तो टूरिस्ट को खुलासा किया कि केयर्स क्रास एक जासूस है और मैंजिज ने खुलासा की कि वह प, वह यह पहले से ही जानता है और ब्रिटिश लाभ के लिए केयर्स क्रास द्वारा सोवियत संघ को लीक करने के गए और संदेशों को राख कर दिया अपनी सुरक्षा से डर से टूरिंग ने क्लर्क को चले पार्क में छोड़ने के लिए कहा और खुलासा किया कि वह एक समलैंगिक कलर का कह कहना है कि उससे हमेशा संदेह था लेकिन उन्होंने जो देकर कहा है कि वैसे भी एक साथ खुश होते हैं उसके साथ बात ट्यूरिंग ने उसे बताया कि उसने कभी भी उसकी परवाह नहीं की केवल अपने क्रिप्टोग्राफी कौशल के लिए उसका इस्तेमाल किया और दिल टूट जाने पर वह किसी भी तरह रुकने का फैसला करती है और उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानती है जब वह ट्यूरिंग कहिया उसे अपने माता पिता उससे जो चाहते थे और झुकने का अपने निर्णयों के बारे में सोचने से इनकार कर देती और युद्ध के बाद मैंजीज ने क्रिप्टोग्राफरों को अपना काम नष्ट करने के लिए कहा क्योंकि एम आई सिक्स चाहता है कि सरकारें सोचें कि उनके पास अटूट कोड मशीनें हैं सन उन्नीस सौ बावन में ट्यूरिंग को घोर अवगढ़ता का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा के बदले में रासायनिक बद्याकरण किया गया और ताकि वह अपना काम जारी रखे और कलर जिस जिससे मिलने से उसके घर जाता था और उसकी शारीरिक और मानसिक गिरावट को देखता था और यह कहकर उसे संतावना देता था कि उस उसके साथ काम में लाखों लोगों की जान बचाई है उपसंहार से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा निर्देशित हॉर् हॉर्मेनल में एक साल के बाद ट्यूरिंग की सात जून सन उन्नीस सौ चौवन की आत्महत्या में मृत्यु हो गई और दो हजार तेरह में महारानी एलिज जब्बे दुत्य द्वितीय द्वितीय ने ट्यूरिंग को उसके काम का सम्मान करते हुए मरणोपरांत रॉयल क्षमता प्रदान की जिससे अंत में आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ और ढालना में एलन ट्यूरिंग के रूप में बेनेडिक कैम्बर बेच ने किरदार निभाया जॉन क्लर्क के रूप में कोई नाइट र... नाइटलिक ने किरदार निभाया हु एलेक्जेंडर के रूप में मैथ्यू गुड ने किरदार निभाया जासूस रॉबर्ट नोक के रूप में रोरी G... किन्नर ने किरदार निभाया जॉन केरियन क्रॉस के रूप में एलन लीच ने किरदार निभाया पीटर हिल्टनर के रूप में मैथ्यू किरदार निभाया कमांडर डेनिस्टन के रूप में चार्ल्स डांस ने किरदाना स्टीवन मैंजिज के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग ने किरदार निभाया जेक गुड के रूप में जेम्स नॉर्थकोट ने किरदार निभाया टॉम गुडमैन हिल सर्जेंट स्टेहल के रूप में किरदार निभाते नजर नजारे अधीक्षक स्मिथ के रूप में स्टीवन वार्डिंगटन ने किरदार निभाया कीथ फोरमैन के रूप में इलान गुडमैन ने किरदार निभाया चार्ल्स रिचर्ड के रूप में जैक टेलरटन ने किरदार निभाया यूए एलन ट्यूरिंग के रूप में एलेक्स थोलोथर ने किरदार निभाया क्रिस्टोफर क्रिस्टोबर को के रूप में जैक बेनन ने किरदार निभाया हेलेन स्टीवर्ट के रूप में ट्यूपेस मिडलनटन ने किरदार निभाया एड्र्यू हेविक ले हैविलस सेक्स के रूप में किरदार निभाए सोल शेरबोन के रूप में जेम्सी सी जी नोन के दाने मैरेट और थेरोसी क्लार्क के रूप में विक्टोरिया मैक्स ने किरदार निभाते हुए नजर आई द इमिटेशन गेम मूवी के फैक्टर रिव्यू द इमिटेशन गेम 2014 की एक जीवनी थ्रिलर फिल्म है जो मॉर्टन टैलर्डसम द्वारा निर्देशित तो और ग्राहम مور द्वारा लिखित जो एंड्रयूज हॉसेस की सन 1983 की जीवनी एलन ट्यूरिंग द एनिगम्मा पर आधारित है फिल्म का निर्देशक मार्टन टिल्डम है पटकथा ग्रहमोर है आधारित है एलन ट्यूरिंग द एनिगम हैड्रूस होजेस पर उत्पादित किया गया नोरा ग्रासमैन और एडो ओस्ट्रोवकी टेडी में द्वारा अभिनीति है बेनेडिस का, का वेज कैरा नाइटली मैथ्यू गुडे रोरी किन्नर और चार्ल्स नृत्य मार्क स्ट्रोंग छायांकन है ऑस्कर फोरा के संपादित है विलियम्स गोल्डनबर्ग के संगीत है एलेक्स चेट्रे डेस्प्लेट का उत्पादन कंपनी काले भालू के चित्र और ब्रिस्टल ऑटोमोटिव ऑरेंज कॉर्पोरेशन वितरित किया गया विनिस्टिन कंपनी द्वारा रिलीज की तारीख उनतीस अगस्त दो को टेलो लोराइड्स फिल्म फेस्टिवल में चौदह नवंबर 2014 को यूनाइटेड किंगडम में और अट्ठाईस नवंबर 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था कार्यक्रम एक सौ पंद्रह मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और फिल्म का बजट चौदह मिलियन डॉलर का था इसने दुनिया भर में काफ़ी अच्छी कमाई की फिल्म का शीर्षक उस गेम के नाम को उदगर्त करता है जिससे क्रिप्टोना एलानिस्टिक एलन ही। एलन ट्यूरिंग ने अपने सन्नीस सौ पचास के मौलिक पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में क्या मशीनों सोच सकती है प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित किया था फिल्म में बेनेडिक्स कैम्बरबेज के, के ट्यूरिंग की भूमिका निभाई जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए जर्मन खोफिया संदेशों को डिस्क्रिप्ट किया था और के, केरा नाइटली मैथ्यू गुड रो, रो, रोरी किन्नर चार्ल्स डांस में मार्क स्ट्रॉन्गन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं दाइमी, दाइमी टेंशन गेम को संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 नवंबर 2014 को नाइट केयर रूम में रिलीज किया गया था इसके बाद इस फिल्म को सतासीवें अकादमी पुरस्कारों में से आठ नामांकन प्राप्त किए गए जो सबसे रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीतना बहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पांच नामांकन और स्क्रीन इक्कीसवेंट गिल्ड अवार्ड में तीन नामांकन इसे नो बाफ्टा नामांकन की भी प्राप्त हुई और उनतालीसवें टोरेंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्यू पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता कथनाक सन उन्नीस सौ इक्यावन में दो पुलिस कर्म, कर्मियों नोक और स्टेहल गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के घर में एक स्पष्ट चोरी के बाद जांच करते हैं और नोक द्वारा पूछा ताज के दौरान ट्यूरिंग ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बलेचले पार्क में काम करने से अपने समय के बारे में बताया सन उन्नीस में युवा ट्यूरिंग दुखी और बोर्डिंग स्कूल में उसे एक धमकाया जाता था वह क्रिस्टोफर मोरकों के साथ दोस्ती विकसित करता और जो के क्रिप्टोग्राफी में उसकी रुचि रखता था ट्यूरिंग ने मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती थी लेकिन लेकिन क्रिस्टोफर जल्द ही तपेदिक से मर जाता है जब सन उन्नीस सौ उनतालीस में ब्रिटेन के जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो तो ट्यूरिंग ने बेलेचले के पार्क की यात्रा की और कमांडर एलिस स्टेयर और डेनिस्टन के निर्देशन से वह होंग एलेक्जेंडर जॉन कारसिनफों पीटर हिल्टन की फूरमैन और चार्ल्स रिचर्ड्स की क्रिस्टोपोग्राफी टीम में शामिल हो गए टीम एनिमा मशीन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही थी जिसका उपयोग नाजी कोडित संदेश भेजने के लिए कर, करते हैं ट्यूरिंग के साथ काम करना कठिन और वह अपने सहकर्मियों को ही मानते हैं और वह एनिंगमा संदेशों को समझने के लिए एक मशीन डिजाइन करने के लिए अकेले काम करता है डेनिस्टन द्वारा मशीन के निर्माण के लिए धन देने से इनकार करने के बाद ट्यूरिंग ने प्रधानमंत्री विस्टन चार्लिन को लिखा जो ट्यूरिंग को टीम का प्रभारी मानते थे और मशीन के लिए धन देते हैं ट्यूरिंग और रिचर्ड्स को निकाल देता है और प्रतिस्थापन खोजने के लिए समाचार पत्र में से एक कठिन क्रॉसवर्ड डालता है कैब्रिज के स्थानांतर लॉन जॉन क्लार्क ने ट्यूरिंग की परीक्षा पास कर ली और लेकिन उसके माता पिता उसे पुरुष क्रिप्टोग्राफों के साथ काम करने की अनुमति नहीं देंगे ट्यूरिंग उसके लिए महिला क्लर्कों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था करता है जो संदेशों को पकड़ती है और उसके साथ अपनी योजनाएं साझा करती है कलर की मदद से ट्यूरिंग अन्य सहकर्मियों के प्रति आकर्षित हो जाता है जो उसका सम्मान करने के लगे हैं ट्यूरिंग को मशीन जिसे वह क्रिस्टोफर नाम देता है और निर्मित से लेकिन एनी एनिगमा के एनक्रिप्सन सेटिंग को जल्दी ही निर्धारित नहीं कर सकती जर्मन उन्हें एक हर दिन रिसेट करते हैं और डेनिस्टन को उस इसे नष्ट करने का आदेश देते हैं ट्यूरिंग को निकाल दिया जाता है लेकिन अन्य क्रिस्टोफ ग्राफर ट्यूरिंग, ट्यूरिंग के जाने पर चले जाने की धमकी देते हैं क्लर्क द्वारा अपने माता पिता की इच्छा पर छोड़ने की योजना बनाने के बाद ट्यूरिंग ने शादी का प्रस्ताव रखा उसे उसने स्वीकार कर लिया और अपनी सगाई की पार्टी के दौरान ट्यूरिंग ने एक कैरियन क्रॉस को अपनी समलैंगिकता की पुष्टि की और जिसने उसे उसे गुप्त रखने की चेतावनी दी थी उसी जर्मन कोडर को प्राप्त संदेशों के बारे में एक महिला क्लर्क के साथ बातचीत सुनने के बाद ट्यूरिंग को एहसास हुआ कि वह अब उन शब्दों को डिकोड करने के लिए मशीन को प्रोग्राम कर सकता है जिन्हें वह पहले से ही जानता था कुछ संदेशों में मौजूद है और जर्मन कोडर हमेशा अपना पहला संदेश मानक प्लेट प्लेन टेक्स्ट जर्मन लिपि में लिखे खोलता है इससे दिन में पर्याप्त एनि मा कोड का पता चलता है जिससे क्रिस्टोफर दिन भर में सभी संदेशों को तुरंत डिकोड कर सकता है मशीन को पुनः कैलिब्रेट करने के लिए वह तुरंत यह संदेश को डिकोड कर देता है और क्रिस्टोग्राफर जश्न मनाते हैं उन्हें पता चलता है कि एक काफिले का हमला होने वाला है लेकिन ट्यूरिंग को एहसास होता है कि अगर वे अचानक काफिले का रास्ता बदल देंगे तो यू बो बोट पर हमला करने करते हैं तो जर्मन को एहसास होगा कि एनिगमा को समझौता किया गया है वे मशीनरी बदल देंगे इसलिए बेलेचिली पार्क की टीम हर डिकॉर्ड किए गए संदेश को कार्रवाई नहीं कर सकती पीटर जिसका भाई एक जहाज पर सेवारत नाविक है और वह सख्त अपील के बावजूद काफिले को नहीं बचाने का विकल्प चुन सकता है ट्यूरिंग यह बताने के लिए एक संख्य संख्य मॉडल बनाता है जो विनाश को अधिकतम करने की खोज को कम करने के लिए कौन सी चेतावनी भेजनी है ट्यूरिंग को पता चलता है कि नर्स क्रास एक सो, सोवियत जासूस है जो ट्यूरिंग ने उसका सामना किया तो केयर्स क्रांस को तर्क दिया जाता है सोवियत समान लक्ष्यों के लिए काम करने वाले सहयोगी है और ट्यूरिंग की कामुकता का खुलासा करके जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी जब सिर्फ ए एम आई सिक्स एजेंट स्टीवर्ट मैंजिस क्लर्क को धमकी देता प्रतीत होता है तो को खुलासा किया कि केयर्स क्रास एक जासूस है और ने खुलासा कि, कि वह प, वह यह पहले से ही जानता है और ब्रिटिश लाभ के लिए केयर्स क्रास द्वारा सोवियत संघ को लीक करने के गए और संदेशों को राख कर दिया अपनी सुरक्षा से डर से ट्यूरिंग ने क्लर्क को बलेचले पार्क में छोड़ने के लिए कहा और खुलासा किया कि वह एक रंगीन कलर का कह कहना है कि उससे हमेशा संदेह था लेकिन उन्होंने जो देकर कहा कि वैसे भी एक साथ खुश होते हैं उसके साथ बात ट्यूरिंग ने उसे बताया कि उसने कभी भी उसकी परवाह नहीं की केवल अपने क्रिप्टोग्राफी कौशल के लिए उसका इस्तेमाल किया और दिल टूट जाने पर वह किसी भी तरह रुकने का फैसला करती है और उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानती है, जब वह ट्यूरिंग कहिया उसे अपने माता पिता उससे जो चाहते थे और झुकने का अपने निर्णयों के बारे में सोचने से इनकार कर देती और युद्ध के बाद मनजीज ने क्रिप्टोग्राफरों को अपना काम नष्ट करने के लिए कहा क्योंकि एम आई सिक्स चाहता है कि सरकारें सोचें कि उनके पास अटूट कोड मशीनें हैं सन उन्नीस सौ बावन में ट्यूरिंग को घोर अभद्रता का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा के बदले में रासायनिक बद्याकरण किया गया और ताकि वह अपना काम जारी रखे और कलर जिस जिससे मिलने से उसके घर जाता था और उसकी शारीरिक और मानसिक गिरावट को देखता था और यह कहकर उसे संतावना देता था कि उस उसके साथ काम में लाखों लोगों की जान बचाई है उपसंहार से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा निर्देशित हॉर् हॉर्मेनल थे पी में एक साल के बाद ट्यूरिंग की सात जून सन उन्नीस की आत्महत्या में मृत्यु हो गई और 2013 में महारानी एलिज जब्बे द्वितीय के द्वितीय ने ट्यूरिंग को उसके काम का सम्मान करते हुए मरणोपरांत रॉयल क्षमता प्रदान की जिससे अंत में आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ और ढालना में एलन ट्यूरिंग के रूप में बेनेडिक कैम्बर बेच ने किरदार निभाया जॉन क्लर्क के रूप में कोई नाइट नाइटलिक ने किरदार निभाया हु एलेक्जेंडर के रूप में मैथ्यू गुड ने किरदार निभाया जासूस रॉबर्ट नोक के रूप में रोरी किन्नर ने किरदार निभाया जॉन केरियन क्रॉस के रूप में एलन लीच ने किरदार निभाया पीटर हिल्टनर के रूप में मैथ्यू किरदार निभाया कमांडर डेनिस्टन के रूप में चार्ल्स टंस ने किरदार स्टीवन मैंजीज के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग ने किरदार निभाया जेक गुड के रूप में जेम्स नॉर्थकोट ने किरदार निभाया टॉम गुडमैन हिल सर्जेंट स्टेहल के रूप में किरदार निभाते नजर आए अधीक्षक स्मिथ के रूप में स्टीवन वार्डिंगटन ने किरदार निभाया कि कीथ फोरमैन के रूप में इलान गुडमैन ने किरदार निभाया चार्ल्स रिचर्ड के रूप में जैक टेलरटन ने किरदार निभाई यूवा एलन ट्यूरिंग के रूप में एलेक्स थोलोथर ने किरदार किरदार्यमाई क्रिस्टोबर मोर्को के रूप में जैक बेनन ने किरदार निभाया हेलन स्टीवर्ट के रूप में ट्यूपेस मिडलन ने किरदार निभाया एड्री हेविक

ट्यूरिंग द एनिगम्मा पर आधारित है फिल्म का निर्देशक मार्टन टिल्डम है पटकथा मोर है आधारित है एलन ट्यूरिंग द एनिगम हैड्रूस होजेस पर उत्पादित किया गया नोरा ग्रासमैन और एडो ओस्ट्रोवस्की टेडी हराज में द्वारा अभिनीति है बेनेडिस का, का वेज कैरा नाइटली मैथ्यू गुडे रोरी किन्नर और चार्ल्स नृत्या मार्क स्ट्रॉन्ग छायांकन है ऑस्कर फोरा के संपादित हैं विलियम्स गोल्डनबर्ग के संगीत हैं एलेक्स चेट्रे डेस्प्लेट का उत्पादन कंपनी काले भालू के चित्र और ब्रिस्टल ऑटोमोटिव ऑरेंस कॉर्पोरेशन वितरित किया गया विनिस्टीन कंपनी द्वारा रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2014 को टेलो इड्स फिल्म फेस्टिवल में चौदह नवंबर 2014 को यूनाइटेड किंगडम में और अट्ठाईस नवंबर 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और फिल्म का बजट चौदह मिलियन डॉलर का था इसने दुनिया भर में काफ़ी अच्छी कमाई की फिल्म का शीर्षक उस गेम के नाम को उदगर्द करता है जिससे क्रिप्टोना एलानिस्टिक एलन ही। एलन ट्यूरिंग ने अपने सन्नीस सौ पचास के मौलिक पेपर कंप्यूटिंग कम्पुर्ट, मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में क्या मशीनों सोच सकती है प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित किया था फिल्म में बेनेडिक्स कैंबरबेज के, के ट्यूरिंग की भूमिका निभाई जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए जर्मन खोफिया संदेशों को डिस्क्रिप्ट किया था और के, केरा नाइटली मैथ्यू गुड रो, रो, रोरी किन्नर चार्ल्स डांस में मार्क स्ट्रॉन्ग सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं दायमी टेंशन गेम को संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 नवंबर 2014 को नाइट केयर रूम में रिलीज किया गया था इसके बाद इस फिल्म को सतासीवें अकादमी पुरस्कारों में से आठ नामांकन प्राप्त किए गए जो सबसे रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जितना बहत्तरवे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पाँच नामांकन और इक्कीसवें स्क्रीन एक्सपर्ट मिल्ड गिल्ड अवार्ड में तीन नामांकन इसे नो बाफ्टा नामांकन की भी प्राप्त हुई और उनतालीसवें टोरेंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्यो पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता कथनाक सन उन्नीस में दो पुलिस कर्म, कर्मियों नोक और स्टेहल गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के घर में एक स्पष्ट चोरी के बाद जांच करते हैं और नोक द्वारा पूछा ताज के दौरान ट्यूरिंग ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बलेचले पार्क में काम करने से अपने समय के बारे में बताया सन उन्नीस में युवा ट्यूरिंग दुखी और बोर्डिंग स्कूल में उसे एक धमकाया जाता था वह क्रिस्टोफर मोरकोम के साथ दोस्ती विकसित करता और जो कि क्रिप्टोग्राफी में उसकी रुचि रखता था ट्यूरिंग ने मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती थी लेकिन लेकिन क्रिस्टोफर जल्द ही तपेदिक से मर जाता है जब सन उन्नीस सौ उनतालीस में ब्रिटेन के जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो तो ट्यूरिंग ने बेलेचले के पार्क की यात्रा की और कमांडर एलिस स्टेयर और डेनिस्टन के निर्देशन से वह होंग एलेक्जेंडर जॉन कार्सिनफोंस पीटर हिल्टन फूरमैन और चार्ल्स रिचर्ड्स की क्रिस्टोपोग्राफी टीम में शामिल हो गए टीम एनिमा मशीन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही थी जिसका उपयोग नाजी कोडित संदेश भेजने के लिए कर, करते हैं ट्यूरिंग के साथ काम करना कठिन और वह अपने सहकर्मियों को ही मानते हैं और वह एनिगमा संदेशों को समझने के लिए एक मशीन डिजाइन करने के लिए अकेले काम करता है डेनिस्टन द्वारा मशीन के निर्माण में के लिए धन देने से इनकार करने के बाद ट्यूरिंग ने प्रधानमंत्री विस्टन चार्लिन को लिखा जो टूरिंग को टीम का प्रभारी मानते थे और मशीन के लिए धन देते हैं ट्यूरिंग रिचर्ड्स को निकाल देता है और प्रतिस्थापन खोजने के लिए समाचार पत्र में से एक कठिन क्रॉसवर्ड डालता है कैब्रिज के स्थानांतरित लोन जॉन क्लार्क ने ट्यूरिंग की परीक्षा पास कर ली और लेकिन उसके माता पिता उसे पुरुष क्रिप्टोग्राफों के साथ काम करने की अनुमति नहीं देंगे ट्यूरिंग उसके लिए महिला क्लर्कों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था करता है जो संदेशों को पकड़ती है और उसके साथ अपनी योजनाएं साझा करती है क्लर्क की मदद से ट्यूरिंग अन्य सहकर्मियों के प्रति आकर्षित हो जाता है जो उसका सम्मान करने के लगे हैं ट्यूरिंग को मशीन जिसे वह क्रिस्टोफर नाम देता है और निर्मित से लेकिन एनि एनिगमा के एनक्रिप्सन सेटिंग को जल्दी ही निर्धारित नहीं कर सकती जर्मन उन्हें एक हर दिन रिसेट करते हैं और डेनिस्टन को उसे नष्ट करने का आदेश देते हैं ट्यूरिंग को निकाल दिया जाता है लेकिन अन्य क्रिस्टोफ ग्राफर ट्यूरिंग, ट्यूरिंग के जाने पर चले जाने की धमकी देते हैं क्लर्क द्वारा अपने माता पिता की इच्छा पर छोड़ने की योजना बनाने के बाद ट्यूरिंग ने शादी का प्रस्ताव रखा उसे उसने स्वीकार कर लिया और अपनी सगाई की पार्टी के दौरान ट्यूरिंग ने एक कैरियन क्रॉस को अपनी समलैंगिकता की पुष्टि की और जिसने उसे उसे गुप्त रखने की चेतावनी दी थी उसी जर्मन कोडर को प्राप्त संदेशों के बारे में एक महिला क्लर्क के साथ बातचीत सुनने के बाद ट्यूरिंग को एहसास हुआ कि वह अब उन शब्दों को डिकोड करने के लिए मशीन को प्रार्म कर सकता है जिन्हें जी। वह पहले से ही जानता था कुछ संदेशों में मौजूद है और जर्मन कोडर हमेशा अपना पहला संदेश मानक प्लेट प्लेन टेक्स्ट जर्मन लिपि में लिखे खोलता है इससे दिन में पर्याप्त यानी मा कोड का पता चलता है जिससे क्रिस्टोफर दिन भर में सभी संदेशों को तुरंत डिकोड कर सकता है मशीन को पुनः कैलिब्रेट करने के लिए वह तुरंत यह संदेश को डिकोड कर देता है और क्रिस्टोग्राफर जश्न मनाते हैं उन्हें पता चलता है कि एक काफिले का हमला होने वाला है लेकिन ट्यूरिंग को एहसास होता है कि अगर वे अचानक काफिले का रास्ता बदल देंगे तो यू बो बोट पर हमला करने करते हैं तो जर्मन को एहसास होगा कि एनिग, एनिगमा को समझौता किया गया है वे मशीनरी बदल देंगे इसलिए बेलेचिली पार्क की टीम हर डिकोड किए गए संदेश को कार्रवाई नहीं कर सकती पीटर जिसका भाई एक जहाज पर सेवारत नाविक है और वह सख्त अपील के बावजूद काफिले को नहीं बचाने का विकल्प चुन सकता है ट्यूरिंग यह बताने के लिए एक संखी संख्य किया मॉडल बनाता है जो विनाश को अधिकतम करने की खोज को कम करने के लिए कौन सी चेतावनी भेजनी है ट्यूरिंग को पता चलता है कि कैनर्स क्रास एक सोवियत जासूस है जो ट्यूरिंग ने उसका सामना किया तो कैर्स क्रांस को, के, को तक दिया जाता है सोवियत समान लक्ष्यों के लिए काम करने वाले सहयोगी है और ट्यूरिंग की कामुकता का खुलासा करके जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी जब सिर्फ ए एम आई सिक्स एजेंट स्टीवर्ट मैंजिस क्लर्क को धमकी देता प्रतीत होता है तो टूरिस्ट को खुलासा किया कि क्रास एक जासूस है और ने खुलासा किया वह वह पहले से ही जानता है और ब्रिटिश लाभ के लिए केयर्स क्रास द्वारा सोवियत संघ को लीक करने के गए और संदेशों को राख कर दिया अपनी सुरक्षा से डर से ट्यूरिंग ने क्लर्क को बलेचले पार्क में छोड़ने के लिए कहा और खुलासा किया कि वह एक समलैंगिक कलर का कह कहना है कि उससे हमेशा संदेह था लेकिन उन्होंने जो देकर कहा कि वैसे भी एक साथ खुश होते हैं उसके साथ बात ट्यूरिंग ने उसे बताया कि उसने कभी भी उसकी परवाह नहीं की केवल अपने क्रिप्टोग्राफी कौशल के लिए उसका इस्तेमाल किया और दिल टूट जाने पर वह किसी भी तरह रुकने का फैसला करती है और उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानती है, जब वह ट्यूरिंग कैया उसे अपने माता पिता उससे जो चाहते थे और झुकने का अपने निर्णयों के बारे में सोचने से इनकार कर देती और युद्ध के बाद मैंजीज ने क्रिप्टोग्राफरों को अपना काम नष्ट करने के लिए कहा क्योंकि एम आई सिक्स चाहता है कि सरकारें सोचें कि उनके पास अटूट कोड मशीनें हैं सन उन्नीस में ट्यूरिंग को घोर अवगढ़ता का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा के बदले में रासायनिकरण किया गया और ताकि वह अपना काम जारी रखे और कलर जिस जिससे मिलने से उसके घर जाता था और उसकी शारीरिक और मानसिक गिरावट को देखता था यह कह कहकर उसे सांतावना देता था कि उस, उसके साथ काम में लाखों लोगों की जान बचाई है उपसंहार से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा निर्देशित हॉर्मेनल हर्म, थे पी में एक साल के बाद ट्यूरिंग की सात जून सन उन्नीस सौ चौवन की आत्महत्या में मृत्यु हो गई और दो हजार तेरह में महारानी एलिजे द्वितीय के द्वितीय ने ट्यूरिंग को उसके काम का सम्मान करते हुए मरणोपरांत रॉयल क्षमता प्रदान की जिससे अंत में आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ और ढालना में एलन ट्यूरिंग के रूप में बेनेडिक कैम्बर बेच ने किरदार निभाया जॉन क्लर्क के रूप में कोई नाइटलिक र... ने किरदार निभाया हु एलेक्जेंडर के रूप में मैथ्यू गुड ने किरदार निभाया जासूस रॉबर्ट नोक के रूप में रोरी किन्नर ने किरदार निभाया जॉन केरियन क्रॉस के रूप में एलन लीच ने किरदार निभाया पीटर हिल्टनर के रूप में मैथ्यू किरदार निभाया कमा... कमांडर डेनिस्टन के रूप में चार्ल्स टांस ने किरदार स्टीवन मैंजिज के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग ने किरदार निभाया जेक गुड के रूप में जेम्स नॉर्थकोट ने किरदार निभाया टॉम गुडमैन हिल सरजेंट स्टेहल के रूप में किरदार निभाते नजर आए अधीक्षक अधी स्मिथ के रूप में स्टीवन वार्डिंगटन ने किरदार निभाया कि कीथ फोरमैन के रूप में इलान गुडमैन ने किरदार निभाया चार्ल्स रिचर्ड के रूप में जैक टेलरटन ने किरदार निभाया यू एलन ट्यूरिंग के रूप में एलेक्स थोलोथर ने किरदार निभाया क्रिस्टोफर क्रिस्टोबर को के रूप में जैक बेनन ben ने किरदार निभाया हेलन स्टीवर्ट के रूप में ट्यूपेस मिडलटन ने किरदार निभाया एड्र्यू हेविक हेविल शिक्षक के रूप में किरदार निभाए हैं फोर शेरबोर्न के रूप में जेम्सी जी नून के दान मैट और थेरोसी क्लार्क के रूप में विक्टोरिया मैक्स ने किरदार निभाते हुए नजर आई द इमिटेशन गेम मूवी के फैक्टो रिव्यू द इमिटेशन गेम 2014 की एक जीवनी थ्रिलर फिल्म है जो मोर्टोन टर्डसम द्वारा निर्देशित और ग्राह मूर द्वारा लिखित जो एंड्रूस हॉसुज की सन उन्नीस की जीवनी एलन ट्यूरिंग द एनिगम्मा पर आधारित है फिल्म का निर्देशक मार्टन टेल्डम है पटकथा ग्रहमूर है आधारित है एलन ट्यूरिंग द एनिगम हैड्यूस होजेस पर उत्पादित किया गया नोरा ग्रासमैन और एडो ओस्ट्रोवस्की टेडी हाजमैन द्वारा अभिनीति है बेनेडिस का, का वेज कैरा नाइटली मैथ्यू गुडे रोरी किन्नर और चार्ल्स नृत्य मार्क स्ट्रोंग छायांकन है ऑस्कर फोरा के संपादित हैं विलियम्स गोल्डनबर्ग के संगीत हैं एलेक्स चेट्रे डेस्प्लेट का उत्पादन कंपनी काले भालू के चित्र और ब्रिस्टल ऑटोमोटिव ऑरेंज कॉरपोरेशन वितरित किया गया विनिस्टिन कंपनी द्वारा रिलीज की तारीख उनतीस अगस्त दो को टेलो लोराइड्स फिल्म फेस्टिवल में चौदह नवंबर 2014 को यूनाइटेड किंगडम में और अट्ठाईस नवंबर 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था कार्यक्रम एक सौ पंद्रह मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और फिल्म का बजट चौदह मिलियन डॉलर का था इसने दुनिया भर में काफ़ी अच्छी कमाई की फिल्म का शीर्षक उस गेम के नाम को उदगर्त करता है जिसे क्रिप्टोना एलानिस्टिक एलन ही एलन ट्यूरिंग ने अपने सन्नीस सौ पचास के मौलिक पेपर कंप्यूटिंग कम्प्यूर्ट, मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में क्या सोच सकती है प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित किया था फिल्म में बेनेडिक्ट कैंबरबेज के, के ट्यूरिंग की भूमिका निभाई जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए जर्मन कॉपिया संदेशों को डिस्क्रिप्ट किया था और के, केरा नाइटली मैथ्यू गुड रोरी किन्नर चार्ल्स डांस में मार्क स्ट्रॉन्ग सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं गेम को संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 नवंबर 2014 को नाइट के रूम में रिलीज किया गया था इसके बाद इस फिल्म को सतासीवें अकादमी पुरस्कारों में से आठ नामांकन प्राप्त किए गए जो सबसे रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीतना बहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पांच नामांकन और इक्कीसवें स्क्रीन एक्सपर्ट गिल्ड अवार्ड में तीन नामांकन इसे नो बाफ्टा नामांकन की भी प्राप्त हुए और उनतालीसवें टोरेंटो अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता कथनाक सन उन्नीस में दो पुलिस कर्मियों नोक और स्टेहल गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के घर में एक स्पष्ट चोरी के बाद जांच करते हैं और नोक द्वारा ताज के दौरान ट्यूरिंग ने द्वितीय युद्ध के दौरान बलेचले पार्क में काम करने से अपने समय के बारे में बताया सन 1928 में युवा ट्यूरिंग दुखी और बोर्डिंग स्कूल में उसे एक धमकाया जाता था वह क्रिस्टोफर मोरकों के साथ दोस्ती विकसित करता और जो के क्रिप्टोग्राफी में उसकी रुचि रखता था ट्यूरिंग ने मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती थी लेकिन लेकिन क्रिस्टोफर जल्द ही तपेदिक से मर जाता है जब सन उन्नीस में ब्रिटेन के जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो तो ट्यूरिंग ने बेलेचले के पार की यात्रा की और कमा, कमांडर एलिस स्टेयर और डेनिस्टन के निर्देशन से वह होंग एलेक्जेंडर जॉन कार्सिनफों पीटर हिल्टन फूरमैन और चार्ल्स रिचर्ड्स की क्रिस्टोपोग्राफी टीम में शामिल हो गए टीम एनिमा मशीन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही थी जिसका उपयोग नाजी कोडित संदेश भेजने के लिए कर, करते हैं ट्यूरिंग के साथ काम करना कठिन और वह अपने सहकर्मियों को हीन मानते हैं और वह एनिगमा संदेशों को समझने के लिए एक मशीन डिजाइन करने के लिए अकेले काम करता है डेनिस्टन द्वारा मशीन के निर्माण में के लिए धन देने से इनकार करने के बाद ट्यूरिंग ने प्रधानमंत्री विस्टन चार्लिन को लिखा जो ट्यूरिंग को टीम का प्रभारी मानते थे और मशीन के लिए धन देते हैं ट्यूरिंग फोरमैन और और रिचर्ड्स को निकाल देता है प्रतिस्थापन खोजने के लिए समाचार पत्र में से एक कठिन क्रॉसवर्ड डालता है कैब्रिज के स्थानांतर लोन जॉन क्लार्क ने ट्यूरिंग की परीक्षा पास कर ली और लेकिन उसके माता पिता उसे पुरुष क्रिप्टोग्राफों के साथ काम करने की अनुमति नहीं देंगे ट्यूरिंग उसके लिए महिला क्लर्कों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था करता है जो संदेशों को पकड़ती है और उसके साथ अपनी योजनाएं साझा करती है क्लर्क की मदद से ट्यूरिंग अन्य सहकर्मियों के प्रति आकर्षित हो जाता है जो उसका सम्मान करने के लगे हैं ट्यूरिंग को मशीन जिसे वह क्रिस्टोफर नाम देता है और निर्मित से लेकिन एनि एनिगमा के एनक्रिप्सन सेटिंग को जल्दी ही निर्धारित नहीं कर सकती जर्मन उन्हें एक हर दिन रिसेट करते हैं और डेनिस्टन को उस इसे नष्ट करने का आदेश देते हैं ट्यूरिंग को निकाल दिया जाता है लेकिन अन्य क्रिस्टोफ ग्राफर ट्यूरिंग, ट्यूरिंग के जाने पर चले जाने की धमकी देते हैं क्लर्ग द्वारा अपने माता पिता की इच्छा पर छोड़ने की योजना बनाने के बाद ट्यूरिंग ने शादी का प्रस्ताव रखा उसे उसने स्वीकार कर लिया और अपनी सगाई की पार्टी के दौरान ट्यूरिंग ने एक कैरियन क्रॉस को अपनी समलैंगिकता की पुष्टि की और जिसने उसे उसे गुप्त रखने की चेतावनी दी थी उसी जर्मन कोडर को प्राप्त संदेशों के बारे में एक महिला क्लर्क के साथ बातचीत सुनने के बाद ट्यूरिंग को एहसास हुआ कि वह अब उन शब्दों को डिकोड करने के लिए मशीन को प्रोग्राम कर सकता है जिन्हें वह पहले से ही जानता था कुछ संदेशों में मौजूद है और जर्मन कोडर हमेशा अपना पहला संदेश मानक प्लेट प्लेन टेक्स्ट जर्मन लिपि में लिखे खोलता है इससे दिन में पर्याप्त एनि मा कोड का पता चलता है जिससे क्रिस्टोफर दिन भर में सभी संदेशों को तुरंत रिकॉर्ड कर सकता है मशीन को पुनः कैलिब्रेट करने के लिए वह तुरंत यह संदेश को रिकॉर्ड कर देता है और क्रिस्टोग्राफर जश्न मनाते हैं उन्हें पता चलता है कि एक काफिले का हमला होने वाला है लेकिन ट्यूरिंग को एहसास होता है कि अगर वे अचानक काफिले का रास्ता बदल देंगे तो यू बो बोट पर हमला करने करते हैं तो जर्मन को एहसास होगा कि एनिग, एनिगमा को समझौता किया गया है वे मशीनरी बदल देंगे इसलिए बेलेचिली पार्क की टीम हर डिकॉर्ड किए गए संदेश को कार्रवाई नहीं कर सकती पीटर जिसका भाई एक जहाज पर सेवारत नाविक है और वह सख्त अपील के बावजूद काफिले को नहीं बचाने का विकल्प चुन सकता है ट्यूरिंग यह बताने के लिए एक संखी संख्य किया मॉडल बनाता है जो विनाश को अधिकतम करने की खोज को कम करने के लिए कौन सी चेतावनी भेजनी है ट्यूरिंग को पता चलता है कि केन, नर्स क्रास एक सोवियत जासूस है जो ट्यूरिंग ने उसका सामना किया तो को, के, को तर्क दिया जाता है सोवियत समान लक्ष्यों के लिए काम करने वाले सहयोगी है और ट्यूरिंग की कामुकता का खुलासा करके जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी जब सिर्फ ए सिक्स एजेंट स्टीवर्ट मैंजिस क्लर्क को धमकी देता प्रतीत होता है तो टूरिस्ट को खुलासा किया कि केयर्स क्रास एक जासूस है और मैंजिज ने खुलासा की कि वह वह यह पहले से ही जानता है और ब्रिटिश लाभ के लिए केयर्स क्रास द्वारा सोवियत संघ को लीक करने के गए और संदेशों को राख कर दिया अपनी सुरक्षा से डर से ट्यूरिंग ने क्लर्क को बल्ले चले पार्क में छोड़ने के लिए कहा और खुलासा किया कि वह एक समलैंगिक कलर का कह कहना है कि उससे हमेशा संदेह था लेकिन उन्होंने जो देकर कहा कि वैसे भी एक साथ खुश होते हैं उसके साथ बात ट्यूरिंग ने उसे बताया कि उसने कभी भी उसकी परवाह नहीं की केवल अपने क्रिप्टोग्राफी कौशल के लिए उसका इस्तेमाल किया और दिल टूट जाने पर वह किसी भी तरह रुकने का फैसला करती है और उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानती है, जब वह ट्यूरिंग कहिया उसे अपने माता पिता उससे जो चाहते थे और झुकने का अपने निर्णयों के बारे में सोचने से इनकार कर देती है और युद्ध के बाद मैंजीज ने क्रिप्टोग्राफरों को अपना काम नष्ट करने के लिए कहा क्योंकि एम आई सिक्स चाहता है कि सरकारें सोचें कि उनके पास अटूट कोड मशीनें हैं सन उन्नीस में ट्यूरिंग को घोर अवगढ़ता का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा के बदले में रासायनिक बद्याकरण किया गया और ताकि वे अपना काम जारी रखे और कलर जिस जिससे मिलने से उसके घर जाता था और उसकी शारीरिक और मानसिक गिरावट को देखता था और यह कहकर उसे संतावना देता था कि उस, उसके साथ काम में लाखों लोगों की जान बचाई है उपसंहार से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा निर्देशित हॉर् हॉर्मेनल पी में एक साल के बाद ट्यूरिंग की सात जून सन उन्नीस सौ चौवन की आत्महत्या में मृत्यु हो गई और दो हजार तेरह में महारानी एलिज जब्बे द्वितीय के द्वितीय ने ट्यूरिंग को उसके काम का सम्मान करते हुए मरणोपरांत रॉयल क्षमता प्रदान की जिससे अंत में आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ और ढालना में एलन ट्यूरिंग के रूप में बेनेडिक कैम्बर बेच ने किरदार निभाया जॉन क्लर्क के रूप में कोयरा नाइटलिक ने किरदार निभाया हु एलेक्जेंडर के रूप में मैथ्यू गुड ने किरदार निभाया जासूस रॉबर्ट नॉक के रूप में रोरी किन्नर ने किरदार निभाया जॉन केरियन क्रॉस के रूप में एलन लीच ने किरदार निभाया पीटर हिल्टनर के रूप में मैथ्यू किरदार निभाया कमांडर डेनिस्टन के रूप में चार्ल्स डांस ने किरदार स्टीवन मैंजिज के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग ने किरदार निभाया जेक गुड के रूप में जेम्स नॉर्थकोर्ट ने किरदार निभाया टॉम गुडमैन हिल सर्जेंट स्टेहल के रूप में किरदार निभाते नजर आए अधीक्षक स्मिथ के रूप में स्टीवन वार्डिंगटन ने किरदार निभाया कि कीथ फोरमैन के रूप में इलान गुडमैन ने किरदार निभाया चार्ल्स रिचर्ड के रूप में जैक टेलरटन ने किरदार निभाया एलन ट्यूरिंग के रूप में एलेक्स थोलोथर ने किरदार निभाया क्रिस्टोफर क्रिस्टोबर को के रूप में जैक बेनन ben ने किरदार निभाया हेलन स्टीवर्ट के रूप में ट्यूपेस मिडलनटन ने किरदार निभाया एड्र्यू हेविक

ड्यूरिंग द एनिगम्मा पर आधारित है फिल्म का निर्देशक मार्टन टिल्डम है पटकथा ग्रहमोर है आधारित है एलन ट्यूरिंग द एनिगम हैड्रूस होजेस पर उत्पादित किया गया नोरा ग्रासमैन और एडो ओस्ट्रोवस्की टेडी में द्वारा अभिनीति है का, का वेज कैरा नाइटली मैथ्यू गुडे रोरी किन्नर और चार्ल्स नृत्या मार्क स्ट्रॉन्ग छायांकन है ऑस्कर फोरा के संपादित है विलियम्स गोल्डनबर्ग के संगीत है एलेक्स चेट्रे डेस्प्लेट का उत्पादन कंपनी काले भालू के चित्र और ब्रिस्टल ऑटोमोटिव ऑरेंज कॉर्पोरेशन वितरित किया गया विनिस्टिन कंपनी द्वारा रिलीज की तारीख उनतीस अगस्त दो को टेलो लोराइड्स फिल्म फेस्टिवल में चौदह नवंबर 2014 को यूनाइटेड किंगडम में और अट्ठाईस नवंबर 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था कार्यक्रम एक सौ पंद्रह मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और फिल्म का बजट चौदह मिलियन डॉलर का था इसने दुनिया भर में काफ़ी अच्छी कमाई की फिल्म का शीर्षक उस गेम के नाम को उदगर्त करता है जिसे क्रिप्टो ना एलानिस्टिक एलन ही एलन ट्यूरिंग ने अपने सन्नीसौ पचास के मौलिक पेपर कंप्यूटिंग कम्पुर्ट, मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में क्या मशीनों सोच सकती है प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित किया था फिल्म में बेनेडिक्ट कैंबरबेज के, के ट्यूरिंग की भूमिका निभाई जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए जर्मन कॉपिया संदेशों को डिस्क्रिप्ट किया था और के, केरा नाइटली मैथ्यू गुड रोरी किन्नर चार्ल्स डांस में मार्क स्ट्रॉन्ग सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं टेंशन गेम को संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 नवंबर 2014 को नाइट केयर रूम में रिलीज किया गया था इसके बाद इस फिल्म को सतासीवें अकादमी पुरस्कारों में से आठ नामांकन प्राप्त किए गए जो सबसे रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीतना बहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पाँच नामांकन और इक्कीसवें स्क्रीन एक्सपर्ट गिल्ड अवार्ड में तीन नामांकन इसे नो बाफ्टा नामांकन की भी प्राप्त हुई और उनतालीसवें टोरेंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्यो पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता कथनांक सन उन्नीस सौ इक्यावन में दो पुलिस कर्मियों नोक और स्टेहल गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के घर में एक स्पष्ट चोरी के बाद जांच करते हैं और नोक द्वारा ताज के दौरान ट्यूरिंग ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बलेचले पार्क में काम करने से अपने समय के बारे में बताया सन उन्नीस में युवा ट्यूरिंग दुखी और बोर्डिंग स्कूल में उसे एक धमकाया जाता था वह क्रिस्टोफर मोरकोम के साथ दोस्ती विकसित करता और जो के क्रिप्टोग्राफी में उसकी रुचि रखता था ट्यूरिंग ने मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती थी लेकिन लेकिन क्रिस्टोफर जल्द ही तपेदिक से मर जाता है जब सन उन्नीस में ब्रिटेन के जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो तो ट्यूरिंग ने बेलेचले के पार्क की यात्रा की और कमा, कमांडर एलिस स्टेयर और डेनिस्टन के निर्देशन से वह होंग एलेक्जेंडर जॉन कारसनफोस पीटर हिल्टन की फोरमैन और चार्ल्स रिचर्ड्स की क्रिस्टोग्राफी टीम में शामिल हो गए टीम एनिमा मशीन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही थी जिसका उपयोग नाजी कोडित संदेश भेजने के लिए कर, करते हैं ट्यूरिंग के साथ काम करना कठिन और वह अपने सहकर्मियों को हीन मानते हैं और वह एनिगमा संदेशों को समझने के लिए एक मशीन डिजाइन करने के लिए अकेले काम करता है डेनिस्टन द्वारा मशीन के निर्माण में के लिए धन देने से इनकार करने के बाद ट्यूरिंग ने प्रधानमंत्री विस्टन चार्लिन को लिखा जो ट्यूरिंग को टीम का प्रभारी मानते थे और मशीन के लिए धन देते हैं। ट्यूरिंग और रिचर्ड्स को निकाल देता है और प्रतिस्थापन खोजने के लिए समाचार पत्र में से एक कठिन क्रॉसवर्ड डालता है कैब्रिज के स्थानांतर लोन जॉन क्लार्क ने ट्यूरिंग की परीक्षा पास कर ली और लेकिन उसके माता पिता उसे पुरुष क्रिप्टोग्राफों के साथ काम करने की अनुमति नहीं देंगे ट्यूरिंग उसके लिए महिला क्लर्कों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था करता है जो संदेशों को पकड़ती है और उसके साथ अपनी योजनाएं साझा करती है क्लर्क की मदद से ट्यूरिंग अन्य सहकर्मियों के प्रति आकर्षित हो जाता है जो उसका सम्मान करने के लगे हैं ट्यूरिंग को मशीन जिसे वह क्रिस्टोफर नाम देता है और निर्मित से लेकिन एनि एनिगमा के एनक्रिप्शन सेटिंग को जल्दी ही निर्धारित नहीं कर सकती जर्मन उन्हें एक हर दिन रिसेट करते हैं और डेनिस्टन को उस इसे नष्ट करने का आदेश देते हैं ट्यूरिंग को निकाल दिया जाता है लेकिन अन्य क्रिस्टोफ ग्राफर ट्यूरिंग, ट्यूरिंग के जाने पर चले जाने की धमकी देते हैं क्लर्ग द्वारा अपने माता पिता की इच्छा पर छोड़ने की योजना बनाने के बाद ट्यूरिंग ने शादी का प्रस्ताव रखा उसे उसने स्वीकार कर लिया और अपनी सगाई की पार्टी के दौरान ट्यूरिंग ने एक कैरियन क्रॉस को अपनी समलैंगिकता की पुष्टि की और जिसने उसे उसे गुप्त रखने की चेतावनी दी थी उसी जर्मन कोडर को प्राप्त संदेशों के बारे में एक महिला क्लर्क के साथ बातचीत सुनने के बाद ट्यूरिंग को एहसास हुआ कि वह अब उन शब्दों को डिकोड करने के लिए मशीन को प्रार्म कर सकता है जिन्हें वह पहले से ही जानता था कुछ संदेशों में मौजूद है और जर्मन कोडर हमेशा अपना पहला संदेश मानक प्लेट प्लेन टेक्स्ट जर्मन लिपि में लिखे खोलता है इससे दिन में पर्याप्त एनि मा कोड का पता चलता है जिससे क्रिस्टोफर दिन भर में सभी संदेशों को तुरंत रिकॉर्ड कर सकता है मशीन को पुनः कैलिब्रेट करने के लिए वह तुरंत यह संदेश को रिकॉर्ड कर देता है और क्रिस्टोग्राफर जश्न मनाते हैं उन्हें पता चलता है कि एक काफिले का हमला होने वाला है लेकिन ट्यूरिंग को एहसास होता है कि अगर वे अचानक काफिले का रास्ता बदल देंगे तो यू बो बोट पर हमला करने करते हैं तो जर्मन को एहसास होगा कि एनिग, एनिगमा को समझौता किया गया है वे मशीनरी बदल देंगे इसलिए बेलेचिली पार्क की टीम हर डिकोड किए गए संदेश को कार्रवाई नहीं कर सकती पीटर जिसका भाई एक जहाज पर सेवारत नाविक है और वह सख्त अपील के बावजूद काफिले को नहीं बचाने का विकल्प चुन सकता है ट्यूरिंग यह बताने के लिए एक संखी संख्य मॉडल बनाता है जो विनाश को अधिकतम करने की खोज को कम करने के लिए कौन सी चेतावनी भेजनी है ट्यूरिंग को पता चलता है कि केनर्स क्रास एक सो, सोवियत जासूस है जो ट्यूरिंग ने उसका सामना किया तो क्या के, के क्रांस को तर्क दिया जाता है सोवियत समान लक्ष्यों के लिए काम करने वाले सहयोगी है और ट्यूरिंग की कामुकता का खुलासा करके जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी जब शीर्ष एम आई सिक्स एजेंट स्टीवर्ट मैंजिस क्लर्क को धमकी देता प्रतीत होता है तो टूरिस्ट को खुलासा किया कि क्रास एक जासूस है और ने खुलासा कि, कि वह प, वह यह पहले से ही जानता है और ब्रिटिश लाभ के लिए केयर्स क्रास द्वारा सोवियत संघ को लीक करने के गए और संदेशों को राख कर दिया अपनी सुरक्षा से डर से ट्यूरिंग ने क्लर्क को चले पार्क में छोड़ने के लिए कहा और खुलासा किया कि वह एक समलैंगिक कलर का कह कहना है कि उससे हमेशा संदेह था लेकिन उन्होंने जो देकर कहा है कि वैसे भी एक साथ खुश होते हैं उसके साथ बाद ट्यूरिंग ने उसे बताया कि उसने कभी भी उसकी परवाह नहीं की केवल अपने क्रिप्टोग्राफी कौशल के लिए उसका इस्तेमाल किया और दिल टूट जाने पर वह किसी भी तरह रुकने का फैसला करती है और उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानती है जब वह ट्यूरिंग कैया उसे अपने माता पिता उससे जो चाहते थे और झुकने का अपने निर्णयों के बारे में सोचने से इनकार कर देती है और युद्ध के बाद मैंजीज ने क्रिप्टोग्राफरों को अपना काम नष्ट करने के लिए कहा क्योंकि एम आई सिक्स चाहता है कि सरकारें सोचें कि उनके पास अटूट कोड मशीनें हैं सन उन्नीस सौ बावन में ट्यूरिंग को घोर अवगढ़ता का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा के बदले में रासायनिक बद्याकरण किया गया और ताकि वे अपना काम जारी रखे और कलर जिस जिससे मिलने से उसके घर जाता था और उसकी शारीरिक और मानसिक गिरावट को देखता था यह कहकर उसे संतावना देता था कि उस उसके साथ काम में लाखों लोगों की जान बचाई है उपसंहार से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा निर्देशित हॉर् हॉर्मेनल थे में एक साल के बाद ट्यूरिंग की सात जून सन उन्नीस की आत्महत्या में मृत्यु हो गई और 2013 में महारानी एलिज जब्बे द्वितीय के द्वितीय ने ट्यूरिंग को उसके काम का सम्मान करते हुए मरणोपरांत रॉयल क्षमता प्रदान की जिससे अंत में आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ और ढालना में एलन ट्यूरिंग के रूप में बेनेडिक कैम्बर बेच ने किरदार निभाया जॉन क्लर्क के रूप में कोई नाइट नाइटलिक ने किरदार निभाया हु एलेक्जेंडर के रूप में मैथ्यू गुड ने किरदार निभाया जासूस रॉबर्ट नोक के रूप में रोरी किन्नर ने किरदार निभाया जॉन केरियन क्रॉस के रूप में एलन लीच ने किरदार निभाया पीटर हिल्टनर के रूप में मैथ्यू किरदार निभाया कमांडर डेनिस्टन के रूप में चार्ल्स डांस ने किरदारा स्टीवन मैंजिज के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग ने किरदार निभाया जेक गुड के रूप में जेम्स नॉर्थकोट ने किरदार निभाया टॉम गुडमैन हिल सर्जेंट स्टेहल के रूप में किरदार निभाते नजर आए अधीक्षक स्मिथ के रूप में स्टीवन वार्डिंगटन ने किरदार निभाया कीथ फोरमैन के रूप में इलान गुडमैन ने किरदार निभाया चार्ल्स रिचर्ड के रूप में जैक टेलरटन ने किरदार निभाया यू एलन ट्यूरिंग के रूप में एलेक्स थोलोथर ने किरदार किरदार्यमाए क्रिस्टोबर मोर्को के रूप में जैक बेनन ben ने किरदार निभाया हेलन स्टीवर्ट के रूप में ट्यूपेस मिडलनटन ने किरदार निभाया एड्र्यू हेविक

ट्यूरिंग द एनिगम्मा पर आधारित है फिल्म का निर्देशक मार्टन टिल्डम है पटकथा ग्रहमोर है आधारित है एलन ट्यूरिंग द एनिगम हैड्रूस होजेस पर उत्पादित किया गया नोरा ग्रासमैन और एडो ओस्ट्रोवस्की टेडी हराजमैन द्वारा अभिनीति है बेनेडिस वेज कैरा नाइटली मैथ्यू गुडे रोरी किन्नर और चार्ल्स नृत्य मार्क स्ट्रोंग छायांकन है ऑस्कर फोरा के संपादित है विलियम्स गोल्डनबर्ग के संगीत है एलेक्स चेट्रे डेस्प्लेट का उत्पादन कंपनी काले भालू के चित्र और ब्रिस्टल ऑटोमोटिव ऑरेंज कॉरपोरेशन वितरित किया गया विनिस्टिन कंपनी द्वारा रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2014 को टेलो लोराइड्स फिल्म फेस्टिवल में चौदह नवंबर 2014 को यूनाइटेड किंगडम में और अट्ठाईस नवंबर 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था कार्यक्रम एक सौ पंद्रह मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और फिल्म का बजट चौदह मिलियन डॉलर का था इसने दुनिया भर में काफ़ी अच्छी कमाई की फिल्म का शीर्षक उस गेम के नाम को उदगर्द करता है जिसे क्रिप्टोना एलानिस्टिक एलन हुई एलन ट्यूरिंग ने अपने पचास के मौलिक पेपर कंप्यूटिंग कम्पुर्ट, मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में क्या मस, सोच सकती है प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित किया था फिल्म में बेनेडिक्ट कैंबरबेज के, के ट्यूरिंग की भूमिका निभाई जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए जर्मन खोफिया संदेशों को डिस्क्रिप्ट किया था और केरा के नाइटली मैथ्यू गुड रोरी किन्नर चार्ल्स डांस में मार्क स्ट्रॉन्ग सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं दाइमी दाइमी टेंशन गेम को संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 नवंबर 2014 को नाइट के रूम में रिलीज किया गया था इसके बाद इस फिल्म को सतासीवें अकादमी पुरस्कारों में से आठ नामांकन प्राप्त किए गए जो सबसे रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीतना बहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पाँच नामांकन और इक्कीसवें स्क्रीन एक्सपर्ट गिल्ड अवार्ड में तीन नामांकन इसे नामांकन की भी प्राप्त हुई और उनतालीसवें टोरेंटो अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में प्यू, अवार्ड जीता कथनांक सन उन्नीस में दो पुलिस कर्मियों नोक और स्टेहल गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के घर में एक स्पष्ट चोरी के बाद जांच करते हैं और नोक द्वारा ताज के दौरान ट्यूरिंग ने द्वितीय युद्ध के दौरान बलेचले पार्क में काम करने से अपने समय के बारे में बताया सन उन्नीस में युवा ट्यूरिंग दुखी और बोर्डिंग स्कूल में उसे एक धमकाया जाता था वह क्रिस्टोफर मोरकोम के साथ दोस्ती विकसित करता और जो कि क्रिप्टोग्राफी में उसकी रुचि रखता था ट्यूरिंग ने मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती थी लेकिन लेकिन क्रिस्टोफर जल्द ही तपेदिक से मर जाता है जब सन उन्नीस सौ उनतालीस में ब्रिटेन के जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो तो ट्यूरिंग ने बेलेचले के पार्क की यात्रा की और कमांडर एलिस स्टेयर और डेनिस्टन के निर्देशन से वह होंग एलेक्जेंडर जॉन कार्सिनफोंस पीटर हिल्टन की फूरमैन और चार्ल्स रिचर्ड्स की क्रिस्टोपोग्राफी टीम में शामिल हो गए टीम एनिमा मशीन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही थी जिसका उपयोग नाजी कोडित संदेश भेजने के लिए कर, करते हैं ट्यूरिंग के साथ काम करना कठिन और वह अपने सहकर्मियों को ही मानते हैं और वह एनिगमा संदेशों को समझने के लिए एक मशीन डिजाइन करने के लिए अकेले काम करता है डेनिस्टन द्वारा मशीन के निर्माण के लिए धन देने से इनकार करने के बाद ट्यूरिंग ने प्रधानमंत्री विस्टन चार्लिन को लिखा जो ट्यूरिंग को टीम का प्रभारी मानते थे और मशीन के लिए धन देते हैं ट्यूरिंग रिचर्ड्स को निकाल देता है और प्रतिस्थापन खोजने के लिए समाचार पत्र में से एक कठिन क्रॉसवर्ड डालता है कैब्रिज के स्थानांतर लोन जॉन क्लार्क ने ट्यूरिंग की परीक्षा पास कर ली और लेकिन उसके माता पिता उसे पुरुष क्रिप्टोग्राफों के साथ काम करने की अनुमति नहीं देंगे ट्यूरिंग उसके लिए महिला क्लर्कों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था करता है जो संदेशों को पकड़ती है और उसके साथ अपनी योजनाएं साझा करती है क्लर्क की मदद से ट्यूरिंग अन्य सहकर्मियों के प्रति आकर्षित हो जाता है जो उसका सम्मान करने के लगे हैं ट्यूरिंग को मशीन जिसे वह क्रिस्टोफर नाम देता है और निर्मित से लेकिन एनि एनिगमा के एनक्रिप्सन सेटिंग को जल्दी ही निर्धारित नहीं कर सकती जर्मन उन्हें एक हर दिन रिसेट करते हैं और डेनिस्टन को उस इसे नष्ट करने का आदेश देते हैं ट्यूरिंग को निकाल दिया जाता है लेकिन अन्य क्रिस्टोफ ग्राफर ट्यूरिंग, ट्यूरिंग के जाने पर चले जाने की धमकी देते हैं क्लर्ग द्वारा अपने माता पिता की इच्छा पर छोड़ने की योजना बनाने के बाद ट्यूरिंग ने शादी का प्रस्ताव रखा उसे उसने स्वीकार कर लिया और अपनी सगाई की पार्टी के दौरान ट्यूरिंग ने एक कैरियन क्रॉस को अपनी समलैंगिकता की पुष्टि की और जिसने उसे उसे गुप्त रखने की चेतावनी दी थी उसी जर्मन कोडर को प्राप्त संदेशों के बारे में एक महिला क्लर्क के साथ बातचीत सुनने के बाद ट्यूरिंग को एहसास हुआ कि वह अब उन शब्दों को डिकोड करने के लिए मशीन को प्रोग्राम कर सकता है जिन्हें वह पहले से ही जानता था कुछ संदेशों में मौजूद है और जर्मन कोडर हमेशा अपना पहला संदेश मानक प्लेट प्लेन टेक्स्ट जर्मन लिपि में लिखे खोलता है इससे दिन में पर्याप्त यानी कोड का पता चलता है जिससे क्रिस्टोफर दिन भर में सभी संदेशों को तुरंत डिकोड कर सकता है मशीन को पुनः कैलिब्रेट करने के लिए वह तुरंत यह संदेश को डिकोड कर देता है और क्रिस्टोग्राफर जश्न मनाते हैं उन्हें पता चलता है कि एक काफिले का हमला होने वाला है लेकिन ट्यूरिंग को एहसास होता है कि अगर वे अचानक काफिले का रास्ता बदल देंगे तो यू बो बोट पर हमला करने करते हैं तो जर्मन को एहसास होगा कि एनिग, एनिगमा को समझौता किया गया है वे मशीनरी बदल देंगे इसलिए बेलेचिली पार्क की टीम हर डिकोड किए गए संदेश को कार्रवाई नहीं कर सकती पीटर जिसका भाई एक जहाज पर सेवारत नाविक है और वह सख्त अपील के बावजूद काफिले को नहीं बचाने का विकल्प चुन सकता है ट्यूरिंग यह बताने के लिए एक संख्य संख्य मॉडल बनाता है जो विनाश को अधिकतम करने की खोज को कम करने के लिए कौन सी चेतावनी भेजनी है ट्यूरिंग को पता चलता है कि कैनर्सक्रास एक सोवियत जासूस है जो ट्यूरिंग ने उसका सामना किया तो को, के, के क्रांस को तर्क दिया जाता है सोवियत समान लक्ष्यों के लिए काम करने वाले सहयोगी है और ट्यूरिंग की कामुकता का खुलासा करके जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी जब शीर्ष ए एम आई सिक्स एजेंट स्टीवर्ट मैंजिस क्लर्क को धमकी देता प्रतीत होता है तो ट्यूरिस्ट को खुलासा किया कि क्रास एक जासूस है और ने खुलासा किया वह वह पहले से ही जानता है और ब्रिटिश लाभ के लिए केयर्स क्रास द्वारा सोवियत संघ को लीक करने के गए और संदेशों को राख कर दिया अपनी सुरक्षा से डर से ट्यूरिंग ने क्लर्क को चले पार्क में छोड़ने के लिए कहा और खुलासा किया कि वह एक समलैंगिक कलर का कह कहना है कि उससे हमेशा संदेह था लेकिन उन्होंने जो देकर कहा कि वैसे भी एक साथ खुश होते हैं उसके साथ बाद ट्यूरिंग ने उसे बताया कि उसने कभी भी उसकी परवाह नहीं की केवल अपने क्रिप्टोग्राफी कौशल के लिए उसका इस्तेमाल किया और दिल टूट जाने पर वह किसी भी तरह रुकने का फैसला करती है और उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानती है, जब वह ट्यूरिंग कहिया उसे अपने माता पिता उससे जो चाहते थे और झुकने का अपने निर्णयों के बारे में सोचने से इनकार कर देती है और युद्ध के बाद मैंजीज ने क्रिप्टोग्राफरों को अपना काम नष्ट करने के लिए कहा क्योंकि एम आई सिक्स चाहता है कि सरकारें सोचें कि उनके पास अटूट कोड मशीनें हैं सन उन्नीस सौ बावन में ट्यूरिंग को घोर अवगढ़ता का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा के बदले में रासायनिक और ताकि वह अपना काम जारी रखे और कलर जिससे जिस मिलने से उसके घर जाता था और उसकी शारीरिक और मानसिक गिरावट को देखता था यह कह कहकर उसे संतावना देता था कि उस, उसके साथ काम में लाखों लोगों की जान बचाई है उपसंहार से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा निर्देशित हॉर्मेनल हर्म, पी में एक साल के बाद ट्यूरिंग की सात जून सन उन्नीस सौ चौवन की आत्महत्या में मृत्यु हो गई और 2013 में महारानी एलिजे द्वितीय के द्वितीय ने ट्यूरिंग को उसके काम का सम्मान करते हुए मरणोपरांत रॉयल क्षमता प्रदान की जिससे अंत में आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ और ढालना में एलन ट्यूरिंग के रूप में बेनेडिक कैम्बर बेच ने किरदार निभाया जॉन क्लर्क के रूप में कोयरा नाइटलिक ने किरदार निभाया हु एलेक्जेंडर के रूप में मैथ्यू गुड ने किरदार निभाया जासूस रॉबर्ट नोक के रूप में रोरी किन्नर ने किरदार निभाया जॉन केरियन क्रॉस के रूप में एलन लीच ने किरदार निभाया पीटर हिल्टनर के रूप में मैथ्यू किरदार निभाया कमा... कमांडर डेनिस्टन के रूप में चार्ल्स टॉन्स ने किरदार स्टीवन मैंजीज के रूप में मार्क स्ट्रोंग ने किरदार निभाया जेक गुड के रूप में जेम्स नॉर्थकोट ने किरदार निभाया टॉम गुडमैन हिल सर्जेंट स्टेहल के रूप में किरदार निभाते नजर आए अधीक्षक स्मिथ के रूप में स्टीवन वार्डिंगटन ने किरदार निभाया कि कीथ फोरमैन के रूप में इलान गुडमैन ने किरदार निभाया चार्ल्स रिचर्ड के रूप में जैक टेलरटन ने किरदार निभाया यू एलन ट्यूरिंग के रूप में एलेक्स थोलोथर ने किरदार निभाया क्रिस्टोफर क्रिस्टोबर को के रूप में जैक बेनन ने किरदार निभाया हेलन स्टीवर्ट के रूप में ट्यूपियस मिडलन ने किरदार निभाया एड्री हेविक हेविल शिक्षक के रूप में किरदार निभा है फोर शेरबोर्न के रूप में जेम्सी जी नून के दानी और थेरोसी क्लार्क के रूप में विक्टोरिया मेक्स ने किरदार निभाते हुए नजर आई द इमिटेशन गेम मूवी के फैक्टर रिव्यू द इमिटेशन गेम 2014 की एक जीवनी थ्रिलर फिल्म है जो मोर्टोन टर्डसम द्वारा निर्देशित और ग्राह मूर द्वारा लिखित जो एंड्रूस हॉसुज की सन उन्नीस की जीवनी एलन ट्यूरिंग द एनिगम्मा पर आधारित है फिल्म का निर्देशक मार्टन टिल्डम है पटकथा ग्रहमोर है आधारित है एलन ट्यूरिंग द एनिगम हैड्रजेस पर उत्पादित किया गया नोरा ग्रासमैन और एडो ओस्ट्रोवस्की उस्क, टेडी हराज चैनमैन द्वारा अभिनीति है बेनेडिस का, का वेज कैरा नाइटली मैथ्यू गुडे रोरी किन्नर और चार्ल्स नृत्य मार्क स्ट्रोंग छायांकन है ऑस्कर फोरा के संपादित है विलियम्स गोल्डनबर्ग के संगीत है एलेक्स चेट्रे डेस्प्लेट का उत्पादन कंपनी काले भालू के चित्र और ब्रिस्टल ऑटोमोटिव ऑरेंज कॉरपोरेशन वितरित किया गया विनिस्टीन कंपनी द्वारा रिलीज की तारीख २९ अगस्त 2014 को टेलो इड्स फिल्म फेस्टिवल में चौदह चो, नवंबर दो हज़ार चौदह को यूनाइटेड किंगडम में और अट्ठाईस नवंबर दो हज़ार चौदह को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था कार्यक्रम एक सौ पंद्रह मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और फिल्म का बजट चौदह मिलियन डॉलर का था इसने दुनिया भर में काफ़ी अच्छी कमाई की फिल्म का शीर्षक उस गेम के नाम को उदगर्त करता है जिसे क्रिप्टोना एलानिस्टिक एलन हुई एलन ट्यूरिंग ने अपने सन्नीस सौ पचास के मौलिक पेपर कंप्यूटिंग कम्प्यूर्ट, मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में क्या सोच सकती है प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित किया था फिल्म में बेनेडिक्स कैंबरबेज के, के ट्यूरिंग की भूमिका निभाई जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए जर्मन खोफिया संदेशों को डिस्क्रिप्ट किया था और केरा के नाइटली मैथ्यू गुड रोरी किन्नर चार्ल्स डांस में मार्क स्ट्रॉन्ग सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं टेंशन गेम को संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 नवंबर 2014 को नाइट के रूम में रिलीज किया गया था इसके बाद इस फिल्म को सतासीवें अकादमी पुरस्कारों में से आठ नामांकन प्राप्त किए गए जो सबसे रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीतना बहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पांच नामांकन और इक्कीसवें स्क्रीन एक्सपर्ट गिल्ड अवार्ड में तीन नामांकन इसे नामांकन की भी प्राप्त हुई और टोरंटो अंतरराष्ट्रीय अवार्ड जीता कथनाक सन उन्नीस में दो पुलिसकर्मियों कर्म, नोक और स्टेहल गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के घर में एक स्पष्ट चोरी के बाद जांच करते हैं और नोक द्वारा ताज के दौरान ट्यूरिंग ने द्वितीय युद्ध के दौरान बलेचले पार्क में काम करने से अपने समय के बारे में बताया सन 1928 में युवा ट्यूरिंग दुखी और बोर्डिंग स्कूल में उसे एक धमकाया जाता था वह क्रिस्टोफर मोरकोम के साथ दोस्ती विकसित करता और जो के क्रिप्टोग्राफी में उसकी रुचि रखता था ट्यूरिंग ने मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती थी लेकिन लेकिन क्रिस्टोफर जल्द ही तपेदिक से मर जाता है जब सन उन्नीस में ब्रिटेन के जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो तो ट्यूरिंग ने बेलेचले के पार की यात्रा की और कमांडर एलिस स्टेयर और डेनिस्टन के निर्देशन से वह होंग एलेक्जेंडर जॉन कार्सिनफों पीटर हिल्टन कीन और चार्ल्स रिचर्ड्स की क्रिस्टोपोग्राफी टीम में शामिल हो गए टीम एनिमा मशीन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही थी जिसका उपयोग नाजी कोडित संदेश भेजने के लिए कर, करते हैं ट्यूरिंग के साथ काम करना कठिन और वह अपने सहकर्मियों को ही मानते हैं और वह एनिगमा संदेशों को समझने के लिए एक मशीन डिजाइन करने के लिए अकेले काम करता है डेनिस्टन द्वारा मशीन के निर्माण में के लिए धन देने से इनकार करने के बाद ट्यूरिंग ने प्रधानमंत्री विस्टन चार्लिन को लिखा जो ट्यूरिंग को टीम का प्रभारी मानते थे और मशीन के लिए धन देते हैं ट्यूरिंग पुरमैन और रिचर्ड्स को निकाल देता है और प्रतिस्थापन खोजने के लिए समाचार पत्र में से एक कठिन क्रॉसवर्ड डालता है कैब्रिज के स्थानांतर लोन जॉन क्लार्क ने ट्यूरिंग की परीक्षा पास कर ली और लेकिन उसके माता पिता उसे पुरुष क्रिप्टोग्राफों के साथ काम करने की अनुमति नहीं देंगे ट्यूरिंग उसके लिए महिला क्लर्कों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था करता है जो संदेशों को पकड़ती है और उसके साथ अपनी योजनाएं साझा करती है क्लर्क की मदद से ट्यूरिंग अन्य सहकर्मियों के प्रति आकर्षित हो जाता है जो उसका सम्मान करने के लगे हैं ट्यूरिंग को मशीन जिसे वह क्रिस्टोफर नाम देता है और निर्मित से लेकिन एनी एनिगमा के एनक्रिप्सन सेटिंग को जल्दी ही निर्धारित नहीं कर सकती जर्मन उन्हें एक हर दिन रिसट करते हैं और डेनिस्टन को उसे उस नष्ट करने का आदेश देते हैं ट्यूरिंग को निकाल दिया जाता है लेकिन अन्य क्रिस्टोफ ग्राफर ट्यूरिंग, ट्यूरिंग के जाने पर चले जाने की धमकी देते हैं क्लर्ग द्वारा अपने माता पिता की इच्छा पर छोड़ने की योजना बनाने के बाद ट्यूरिंग ने शादी का प्रस्ताव रखा उसे उसने स्वीकार कर लिया और अपनी सगाई की पार्टी के दौरान ट्यूरिंग ने एक कैरियन क्रॉस को अपनी समलैंगिकता की पुष्टि की और जिसने उसे उसे गुप्त रखने की चेतावनी दी थी उसी जर्मन कोडर को प्राप्त संदेशों के बारे में एक महिला क्लर्क के साथ बातचीत सुनने के बाद ट्यूरिंग को एहसास हुआ कि वह अब उन शब्दों को डिकोड करने के लिए मशीन को प्रोग्राम कर सकता है जिन्हें वह पहले से ही जानता था कुछ संदेशों में मौजूद है और जर्मन कोडर हमेशा अपना पहला संदेश मानक प्लेट प्लेन टेक्स्ट जर्मन लिपि में लिखे खोलता है इससे दिन में पर्याप्त एनी कोड का पता चलता है जिससे क्रिस्टोफर दिन भर में सभी संदेशों को तुरंत डिकोड कर सकता है मशीन को पुनः कैलिब्रेट करने के लिए वह तुरंत यह संदेश को डिकोड कर देता है और क्रिस्टोग्राफर जश्न मनाते हैं उन्हें पता चलता है कि एक काफिले का हमला होने वाला है लेकिन ट्यूरिंग को एहसास होता है कि अगर वे अचानक काफिले का रास्ता बदल देंगे तो यू बो बोट पर हमला करने करते हैं तो जर्मन को एहसास होगा कि एनिगमा को समझौता किया गया है वे मशीनरी बदल देंगे इसलिए बेलेचिली पार्क की टीम हर डिकोड किए गए संदेश को कार्रवाई नहीं कर सकती पीटर जिसका भाई एक जहाज पर सेवारत नाविक है और वह सख्त अपील के बावजूद काफिले को नहीं बचाने का विकल्प चुन सकता है ट्यूरिंग यह बताने के लिए एक संख्य मॉडल बनाता है जो विनाश को अधिकतम करने की खोज को कम करने के लिए कौन सी चेतावनी भेजनी है ट्यूरिंग को पता चलता है तर्क दिया जाता है सोवियत समान लक्ष्यों के लिए काम करने वाले सहयोगी है और ट्यूरिंग की कामुकता का खुलासा करके जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी जब सिर्फ ए एम आई सिक्स एजेंट स्टीवर्ट मैंजिस क्लर्क को धमकी देता प्रतीत होता है तो टूरिस्ट को खुलासा किया कि क्रास एक जासूस है और ने खुलासा किया कि वह वह पहले से ही जानता है और ब्रिटिश लाभ के लिए केयर्स क्रास द्वारा सोवियत संघ को लीक करने के गए और संदेशों को राख कर दिया अपनी सुरक्षा से डर से ट्यूरिंग ने क्लर्क को बलेचले पार्क में छोड़ने के लिए कहा और खुलासा किया कि वह एक समलैंगिक कलर का कह कहना है कि उससे हमेशा संदेह था लेकिन उन्होंने जो देकर कहा कि वैसे भी एक साथ खुश होते हैं उसके साथ बात ट्यूरिंग ने उसे बताया कि उसने कभी भी उसकी परवाह नहीं की केवल अपने क्रिप्टोग्राफी कौशल के लिए उसका इस्तेमाल किया और दिल टूट जाने पर वह किसी भी तरह रुकने का फैसला करती है और उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानती है। जब वह ट्यूरिंग कैया उसे अपने माता पिता उससे जो चाहते थे और झुकने का अपने निर्णयों के बारे में सोचने से इनकार कर देती और युद्ध के बाद मैंजीज ने क्रिप्टोग्राफरों को अपना काम नष्ट करने के लिए कहा क्योंकि एम आई सिक्स चाहता है कि सरकारें सोचें कि उनके पास अटूट कोड मशीनें हैं सन उन्नीस में ट्यूरिंग को घोर अवगढ़ता का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा के बदले में रासायनिक बदियाकरण किया गया और ताकि वे अपना काम जारी रखे और कलर जिस जिससे मिलने से उसके घर जाता था और उसकी शारीरिक और मानसिक गिरावट को देखता था यह कहकर उसे संतावना देता था कि उस उसके साथ काम में लाखों लोगों की जान बचाई है उपसंहार से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा निर्देशित हॉर् हॉर्मेनल पी में एक साल के बाद ट्यूरिंग की सात जून सन उन्नीस सौ चौवन की आत्महत्या में मृत्यु हो गई और दो हज़ार तेरह में महारानी एलिज जब द्वितीय के द्वितीय ने ट्यूरिंग को उसके काम का सम्मान करते हुए मरणोपरांत रॉयल क्षमता प्रदान की जिससे अंत में आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ और ढालना में एलन ट्यूरिंग के रूप में बेनेडिक कैम्बर बेच ने किरदार निभाया जॉन क्लर्क के रूप में कोई नाइटलिक ने किरदार निभाया हु एलेक्जेंडर के रूप में मैथ्यू गुड ने किरदार निभाया जासुस रोबर्ट नॉक के रूप में रोरी किन्नर ने किरदार निभाया जॉन केरियन क्रॉस के रूप में एलन लीच ने किरदार निभाया पीटर हिल्टनर के रूप में मैथ्यू किरदार निभाया कमांडर डेनिस्टन के रूप में चार्ल्स टॉन्स ने किरदारा स्टीवन मैंजिज के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग ने किदार निभाया जेक गुड के रूप में जेम्स नॉर्थ कोर्ट ने किरदार निभाया टॉम गुडमैन हिल सर्जेंट स्टेहल के रूप में किरदार निभाते नजर आए अधीक्षक स्मिथ के रूप में स्टीवन वार्डिंगटन ने किरदार निभाया कि कीथ फुरमैन के रूप में इलान गुडमैन ने किरदार निभाया चार्ल्स रिचर्ड के रूप में जैक टेलरटन ने किरदार निभाया यू एलन ट्यूरिंग के रूप में एलेक्स थोलोथर ने किरदार निभाया क्रिस्टोबर मोर्को के रूप में जैक बेनन ने किरदार निभाया हेलन स्टीवर्ट के रूप में ट्यूपेस मिडलटन ने किरदार निभाया एड्र्यू हैविक

ट्यूरिंग द एनिगम्मा पर आधारित है फिल्म का निर्देशक मार्टन टिल्डम है पटकथा ग्रहमोर है आधारित है एलन ट्यूरिंग द एनिगम हैड्यूस होसेस पर उत्पादित किया गया नोरा ग्रासमैन और एडो ओस्ट्रोवस्की टेडी में द्वारा अभिनीति है बेनेडिस का, का वेज कैरा नाइटली मैथ्यू गुडे रोरी किन्नर और चार्ल्स नृत्य मार्क स्ट्रॉन्ग छायांकन है ऑस्कर फोरा के संपादित है विलियम्स गोल्डनबर्ग के संगीत है एलेक्स चेट्रे डेस्प्लेट का उत्पादन कंपनी काले भालू के चित्र और ब्रिस्टल ऑटोमोटिव ऑरेंज कॉरपोरेशन वितरित किया गया विनिस्टिन कंपनी द्वारा रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2014 को टेलो लोराइड्स फिल्म फेस्टिवल में चौदह नवंबर 2014 को यूनाइटेड किंगडम में और अट्ठाईस नवंबर 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और फिल्म का बजट चौदह मिलियन डॉलर का था इसने दुनिया भर में काफ़ी अच्छी कमाई की फिल्म का शीर्षक उस गेम के नाम को उदगर्द करता है जिसे क्रिप्टोना एलानिस्टिक एलन ही एलन ट्यूरिंग ने अपने सन्नीस पचास के मौलिक पेपर कंप्यूटिंग कम्पुर्ट, मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में क्या मस, सोच सकती है प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित किया था फिल्म में बेनेडिक कैंबरबेज के, के ट्यूरिंग की भूमिका निभाई जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए जर्मन कॉपिया संदेशों को डिस्क्रिप्ट किया था और केरा के नाइटली मैथ्यू गुड रोरी किन्नर चार्ल्स डांस में मार्क स्ट्रॉन्ग सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं टेंशन गेम को संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 नवंबर 2014 को नाइट केयर रूम में रिलीज किया गया था इसके बाद इस फिल्म को सतासीवें अकादमी पुरस्कारों में से आठ नामांकन प्राप्त किए गए जो सबसे रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीतना बहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पाँच नामांकन और इक्कीसवें स्क्रीन एक्सपर्ट गिल्ड अवार्ड में तीन नामांकन इसे नो बाफ्टा नामांकन की भी प्राप्त हुए और उनतालीसवें टोरेंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता कथनांक सन उन्नीस सौ इक्यावन में दो पुलिस कर्मियों नोक और स्टेहल गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के घर में एक स्पष्ट चोरी के बाद जांच करते हैं और नोक द्वारा ताज के दौरान ट्यूरिंग ने द्वितीय युद्ध के दौरान बलेचले पार्क में काम करने से अपने समय के बारे में बताया सन 1928 में युवा ट्यूरिंग दुखी और बोर्डिंग स्कूल में उसे एक धमकाया जाता था वह क्रिस्टोफर मोरकोम के साथ दोस्ती विकसित करता और जो के क्रिप्टोग्राफी में उसकी रुचि रखता था ट्यूरिंग ने मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती थी लेकिन लेकिन क्रिस्टोफर जल्द ही तपेदिक से मर जाता है जब सन उन्नीस सौ उनतालीस में ब्रिटेन के जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो तो ट्यूरिंग ने बेलेचले के पार्क की यात्रा की और कमांडर एलिस स्टेयर और डेनिस्टन के निर्देशन से वह होंग एलेक्जेंडर जॉन कार्सिनफों पीटर हिल्टन की और चार्ल्स रिचर्ड्स की क्रिस्टोपोग्राफी टीम में शामिल हो गए टीम एनिमा मशीन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही थी जिसका उपयोग नाजी कोडित संदेश भेजने के लिए कर, करते हैं ट्यूरिंग के साथ काम करना कठिन और वह अपने सहकर्मियों को हीन मानते हैं और वह एनिगमा संदेशों को समझने के लिए एक मशीन डिजाइन करने के लिए अकेले काम करता है डेनिस्टन द्वारा मशीन के निर्माण में के लिए धन देने से इनकार करने के बाद ट्यूरिंग ने प्रधानमंत्री विस्टन चार्लिन को लिखा जो ट्यूरिंग को टीम का प्रभारी मानते थे और मशीन के लिए धन देते हैं ट्यूरिंग फोरमैन और और रिचर्ड्स को निकाल देता है प्रतिस्थापन खोजने के लिए समाचार पत्र में से एक कठिन क्रॉसवर्ड डालता है कैब्रिज के स्थानांतर लोन जॉन क्लार्क ने ट्यूरिंग की परीक्षा पास कर ली और लेकिन उसके माता पिता उसे पुरुष क्रिप्टोग्राफों के साथ काम करने की अनुमति नहीं देंगे ट्यूरिंग उसके लिए महिला क्लर्कों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था करता है जो संदेशों को पकड़ती है और उसके साथ अपनी योजनाएं साझा करती है क्लर्क की मदद से ट्यूरिंग अन्य सहकर्मियों के प्रति आकर्षित हो जाता है जो उसका सम्मान करने के लगे हैं ट्यूरिंग को मशीन जिसे वह क्रिस्टोफर नाम देता है और निर्मित से लेकिन एनि एनिगमा के एनक्रिप्शन सेटिंग को जल्दी ही निर्धारित नहीं कर सकती जर्मन उन्हें एक हर दिन रिसट करते हैं और डेनिस्टन को इसे नष्ट करने का आदेश देते हैं ट्यूरिंग को निकाल दिया जाता है लेकिन अन्य क्रिस्टोफ